वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन जैसा कि आप सभी लोग तो सीरीज।, सीरीज में अब तक हमने जो कवर किया है उस एक्ट का नाम है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट आज जो एक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड अब Good evening. Good evening everybody. है ना? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड तो जिस जिस तरह से इसका नाम है इस एक्ट का, पर्टिकुलर लॉ का नाम है रिविन्य, तो इसमें जो बात होगी वो क्या होगी कि एक लैंड है लैंड से रेवेन्यू कवर रिकवर करना है आपको एक लैंड से अक्रू होगा वो रेवेन्यू आपको रिकवर करना है अब वो कौन सी लैंड होगी रेवेन्यू कौन रिकवर करेगा इसकी पूरी कहानी है इस कोड में अब जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो उससे पहले उस लॉ का एक बैकग्राउंड जान लेना चाहिए और बैकग्राउंड जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इस इस पर्टिकुलर लॉ का हमारा जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्या कितना सिग्निफिकेंस है तो ये मान के चलिए आप कि छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोर्ट से फाइव टू सिक्स क्वेश्चन आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है ठीक है अब ये तो रही इस कोड की इस लॉ की हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंस अब इसका थोड़ा सा फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क समझ लेते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं जिससे हमें इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से समझ आ जाएगा एक बार तो इसके प्रोविजन को पढ़ने में आसानी रहेगी तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं इंडिपेंडेंस से पहले ठीक है अब ये आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट से पहले है ना कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले हमारी कंट्री में जमींदारी सिस्टम हुआ करता था जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि कुछ एक चंद लोग हुआ करते थे जिनके पास सारी की सारी जो लैंड है वो एक जगह एक्यूमुलेट होती थी ठीक है और उस लैंड को यूटिलाइज करते थे अब जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ उसके बाद इस स्ट्रक्चर में चेंज आया जमींदारी सिस्टम एवोल्यूस हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के कुछ प्रोविजन जोड़े गए जो बात करते हैं वेलफेयर स्टेट की है ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब रिसोर्सिस होना चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लिए गए है ना जो भी गवर्नमेंट की फंक्शनरी uh, फंक्शनरी है उनके द्वारा अब क्या हुआ कि ये सब स्टेप्स लिए गए आप इन स्टेप्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था लैंड कि लैंड को रेगुलेट कैसे किया जाए अब सीधी सी बात है कि अगर लैंड ले, अगर लैंड को प्रॉपरली रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो दोबारा से वही जमींदारी सिस्टम कंट्री में दोबारा से उसका अराइज होने के चांसेस हैं तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट लॉस बनाए गए अब वो डिफरेंट लॉस इंडिपेंडेंस से पहले क्या थे उसके बाद क्या थे उसके बारे में देख लेते हैं जैसे ये आपने कोड का नाम पढ़ा कि छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 अब उससे पहले क्या कोई और लॉस थे जो इस तरह की बातों को लैंड रेवेन्यू को गवर्न करते थे जी बिल्कुल थे जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ किसका पार्ट था मध्य प्रदेश का तो 2000 में फर्स्ट नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ठीक है टू uh, में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ लेकिन इसमें इस एक्ट की बहुत से प्रोविजंस हैं वो वही हैं जो हमारे मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड के प्रोविजंस हैं है ना मतलब इसका जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो वही है जो मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड का है ठीक है तो अब उसमें क्या हुआ करता था उस समय जब मध्य प्रदेश नाइनटीन में मध्य प्रदेश स्टेब्लिश हुआ था उससे पहले डिफरेंट रीजन हुआ करते थे जैसे कि मां कौशल रीजन बिंद प्रदेश स्टेट भोपाल स्टेट श्रीगंज रीजन ये सारे इन सारे रीजन में डिफरेंट डिफरेंट लॉस थे जो लैंड रेवेन्यू के मैटर्स को गवर्न करते थे तो इन्हीं लॉस को कंसोलिडेट किया गया और 1959 को लॉ लाया गया जिसका नाम है लैंड रेवेन्यू कोड है ना जिसको हम कह रहे हैं आज छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड तो ये एक कहानी हो गई अब चूंकि लैंड को प्रॉपरली रेगुलेट करना है तो उसके लिए क्या इसमें एक प्रोविजन है वो प्रोविजन क्या है सेक्शन फिफ्टी जो बात करता है कि ऑल लैंड इन द स्टेट द होल लैंड इन द स्टेट बिलोंग्स टू द स्टेट गवर्नमेंट तो जितनी भी लैंड है हमारी स्टेट में वो किसके रेगुलेशन में है उसका अल्टीमेट किसके कंट्रोल में है वो स्टेट के कंट्रोल में ठीक है स्टेट के कंट्रोल में है सारी की सारी जो लैंड है स्टेट में अब उसको स्टेट रेगुलेट करती है अब स्टेट रेगुलेट करती है तो अब सवाल ये आता है तो फिर हम जो लैंड होल्ड करते हैं उसका क्या हम किस अंडर विच राइट वी आर होल्डिंग द लैंड वी ऑल आर होल्डिंग एट प्रेजेंट टाइम है ना तो हम किस अधिकार के फॉर्म में उस लैंड जो भी लैंड हम होल्ड करते हैं उसको होल्ड करते हैं तो उसमें इस एक्ट में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें दो तरह के राइट्स बताए गए हैं भूमि स्वा, स्वामी राइट्स और एज अ लीज गवर्नमेंट लेसी तो अगर कोई पर्सन एज अ भूमि स्वामी किसी लैंड को होल्ड कर रहा है तो यह मान के चलिए कि वो उस लैंड का ओनर है लेकिन जैसा कि मैंने आप बताया मैंने आपको बताया कि किसी स्टेट में जो सारी की सारी जो लैंड है उसका अल्टीमेट बॉस कौन है अल्टीमेटली किसके कंट्रोल में है गवर्नमेंट के तो जो भी पर्सन एज अ भूमि स्वामी किसी लैंड को होल्ड कर रहा है वो उस लैंड को होल्ड कर सकता है उससे सारे बेनिफिट्स जो अराइज होते हैं उसको यूटिलाइज कर सकता है लेकिन उस लैंड के रेस्पेक्ट में उसे गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू देना पड़ेगा है ना उसी को कहते हैं लैंड रेवेन्यू अगर आप एज अ लेसी किसी किसी लैंड को होल्ड कर रहे हो फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट तो आपको रेंट देना पड़ेगा मतलब कुल मिला के आप किराएदार हो और आपको गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा रेवेन्यू देना पड़ेगा तो इस तरह से कहानी है लैंड रेवेन्यू की ठीक है तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक बता दिया कि इस एक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव है अब इस एक्ट के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं ये बातें मैं आप लोगों के साथ क्यों डिस्कस करता हूं क्यों डिस्कस कर रहा हूं उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस एक्ट में जो प्रोविजन है बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोविजन है ना कोई केस लॉ है ना कोई आसानी होने वाली है ठीक है यहां तक बात पहुंची अब थोड़ा सा इस एक्ट अब लैंड रेवेन्यू रिकवर करना है स्टेट को तो उसके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क क्रिएट करना पड़ेगा ना है ना जैसे कि आप गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाती है तो उस पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन के लिए प्रॉपर ऑथोरिटीज uh, बनी हुई हैं। तो इसी तरह से इस एक्ट में इस लॉ में डिफरेंट ऑथोरिटीज बनी हुई हैं, ठीक है तो सबसे पहले इसको देखते हैं की नजर से एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कैसे कि अगर आपको लैंड रेवेन्यू स्टेट में रिकवर करना है तो उसके लिए पहले उस स्टेट को कई पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा जैसे कि छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें तो छत्तीसगढ़ स्टेट में तो टो टो टोटल डिविजन कितने हैं फाइव है ना टोटल स्टेट कितनी है अभी करेंटली थर्टी थ्री थर्टी थ्री डिस्ट्रिक्टिस्ट्रिक्स ठीक है फाइव डिविजन थर्टी थ्री डिस्ट्रिक्ट अब ये देखिए पहले डिवीजन बनाए गए उन डिवीजन के अंदर क्या आती है डिस्ट्रिक्स आती है डिफरेंट डिविजन में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट फॉल करती है और उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी क्या आते हैं सब डिवीजन ठीक है तो ये तो हो गया टेरिटरी की रेस्पेक्ट में प्रॉपर डिवीजन अब इस लैंड रेवेन्यू रिकवर करने के लिए कुछ ऑथोरिटीज बनाई जाएंगी वो ऑथोरिटीज भी बनाई गई हैं सेक्शन 11 में हम अभी डिस्कस करेंगे कुछ रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं उसके अलावा भी बहुत सी ऑथोरिटीज होती हैं जो इस एक्ट के प्रोविजन को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है ठीक है इस एक्ट को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए बनाई गई है ठीक है तो ये तो हमने समझ लिया कि टेरिटरी के फॉर्म में डिवाइड हो गई स्टेट उसके बाद डिफरेंट ऑथोरिटीज बना गई अब वो ऑथोरिटीज बनने के बाद क्या होगा प्रॉपर लैंड का सर्वे किया जाएगा है ना लैंड का सर्वे किया जाएगा और फर्दर उसमें भी कुछ डिवीजन होंगे वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा उन डिवीजन को प्रॉपर लैंड सर्वे उस लैंड uh, का सर्वे किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि इस लैंड से कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट uh, को मिलना चाहिए अब किसी लैंड से कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलेगा उस, uh, उस, उसका हम पता कैसे लगाएंगे उसका डिटर्मिनेशन कैसे होगा कि वो लैंड किस पर्पज के लिए यू, यूज हो रही है अगर मान माने चलो कोई लैंड है वो एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए यूज हो रही है तो उसका एक अलग रेवेन्यू होगा है ना और कोई लैंड है अगर वो कमर्शियल पर्पजेस के लिए यूज हो रही है तो उसकी एक अलग रेवेन्यू होगा तो इस तरह से एक प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार किया गया है उसी फ्रेमवर्क को इन प्रोविजंस में लिखा गया है उन प्रोविजंस को हम बारी बारी से अभी आज डिस्कस करते हैं ठीक है अब ये तो रही पूरी एक कहानी अब इसमें ये देखिए कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीजें कैसे देखनी है कि अब दो तरह से सिर्फ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लैंड रेवेन्यू कोड में पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है इस तरीके से कि प्रोविजन का डायरेक्ट हेडिंग देख प्रोविजन नंबर पूछ लिया है ना दूसरा इस तरह से आता है कि जो हम अंदर का कंटेंट है किसी प्रोविजन का वहां से उठ के कोई भी ऑथोरिटी का डे डेट्स इनके क्वेश्चन बनते हैं ठीक है थीके? तो अब ये फ्रेमवर्क हमने समझ लिया कि पूरी कहानी क्या है अब प्रोविजन को देखते हैं अब जैसा कि आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ जो है, उसमें दो अमेंड, दो के बाद बहुत से चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए गए हैं छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के पास अपडेटेड होगा अगर नहीं भी है तो मैं सारी बातें आपको बताता जाऊंगा और मैं आपको अपडेट जो अमेंड uh, amend, जो अमेंडमेंट एक्ट है वो अपने टेलीग्राम चैनल चे, पे अपलोड करवा दूंगा तो उससे आप जो भी आपके पास बेर एक्ट है उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं ठीक है तो अब देखते हैं ठीक है मैं बताते जाऊंगा किसमें क्या चेंजेस आए हैं ठीक है उसके बाद जी नमस्ते विजय है ना उसके बाद हम देखते जाएंगे आ, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस और बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो अमेंडमेंट जो एक्ट का वो अवेलेबल करा दूंगा तो वहां से आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा सारी बातों को ठीक है हाँ कोई बात नहीं मैं बताते जाऊंगा साथ साथ है ना कि क्या क्या चेंजेस आए हो बाकी डायरेक्ट आप बाद में देख के उससे टैली कर सकते हैं अब देखते हैं छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी जो कहानी है वो समझ आ गई होगी प्रोविजंस देखेंगे तो वो भी सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको समझाता जाऊंगा ठीक है अब देखिए छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड सबसे पहला इसका जो मैं एक बार आपको प्रियम्बल बता दूं तो प्रियम्बल में क्या लिखा है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू लैंड रेवेन्यू ठीक है द पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर तो रेवेन्यू ऑफिसर की बात होने वाली है तो इस एक्ट में राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द होल्डर ऑफ लैंड अब सीधी सी बात है जिस लैंड से आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो रिकवर कर रहे हो उसका कोई तो होल्डर होगा उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज की भी बात होगी

देखिए शशिकांत बेर एक्ट को उसमें ला ना पढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो आ, मैं एमपी का डोमिसाइल हूं है ना अब जो एक्ट है जो मेरे पास जो एक्ट है उसमें 2018 का अमेंडमेंट है है ना 2022 का अमेंडमेंट वाला मेरे पास बेयर एक्ट नहीं है मैंने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरे को मिला नहीं अब जो बेर एक्ट टू में अमेंडमेंट आ गया है मैंने वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट अपने बेयर एक्ट में लिख लिए है थीगे? बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं तो उसका सिर्फ इतना सा रीजन है इसलिए और वो एक्ट भी बहुत छोटा एक्ट नहीं है 264 provisions हैं इसमें है ना कुछ थोड़े से provisions हटा दिए गए पर कम से कम दो सो बीस दो सौ तीस है ना टू ट्वेंटी टू थर्टी के लगभग प्रोविजन है इसमें तो वो सबसे बड़ा रीजन है इसलिए इसको मैं पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को नहीं बता रहा हूं क्योंकि उससे आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता और बाद में पढ़ने में समस्या होती ठीक है तो अब देखिए पहला प्रोविजन जो है उसमें जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कमेंसमेंट डेट कमेंसमेंट डेट क्या है इस एक्ट की इस पर्टिकुलर लॉ की सेकेंड अक्टूबर 1959 है ना सेकेंड अक्टूबर 1959 गांधी जयंती से याद रख लीजिएगा इसको सेकेंड अक्टूबर 1959 और मेरे हिसाब से सेकेंड अक्टूबर को पंचायती राज सिस्टम भी सेकेंड अक्टूबर 1959 को ही आया था ना वहां से याद रखिएगा इसको विलेज यानी कि पंचायत इस तरह से याद हो जाएगा उसके बाद देखिए जो सेकंड इसका जो प्रोविजन है वो बात करता है डेफिनेशन की तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है उसमें वो है ठीक है सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है आबादी आबादी अब आपको पता है कि यहां बात हो रही है विलेज की गांव की तो एक कोई विलेज होता है उसमें उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक जहां पर लोग रहते हैं जो आबादी है इनहेबिटेंट्स हैं और दूसरा वो जगह जहां पर एग्रीकल्चर लैंड है ठीक है तो आबादी जहां पर विलेज में लोग रहते हैं इनहेबिटेंट्स जो हैं उस प्लेस को क्या कहते हैं आबादी उस एरिया को आबादी कहते हैं तो एक तो आबादी क्या होती है आपको सब समझ आ गया और आबादी का जो प्रोविजन नंबर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिएगा अब आगे बढ़ते हैं सेकंड एग्रीकल्चर अब एग्रीकल्चर एक ब्रॉडर टर्म है एग्रीकल्चर में <coughs> बहुत सी एक्टिविटीज हैं जो एग्रीकल्चर में आती हैं ठीक है उन एक्टिविटीज का यहां पर वन टू थ्री फोर करके दिया है पहली बात तो इस प्रोविजन का नंबर पता होना चाहिए एग्रीकल्चर का और उसके बाद ये जो बातें लिखी है इसमें रेजिंग ऑफ एनुअल और पीरियोडिक क्रॉप इंक्लूडिंग द बीटल लीव स्पान एंड वॉटरनट सिंगाड़ा एंड गार्डन प्रोड्यूस हॉर्टीकल्चर द प्लांटिंग एंड अपकीप ऑफ ऑर्चर्ड्स एंड द रिजर्विंग ऑफ लैंड फॉर फोर्डर ग्रेजिंग और थेचिंग ग्रास ये सारी बातें किसका पार्ट है एग्रीकल्चर का पार्ट है इससे यहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर इंक्लूड्स ऑप्शन दे दिए जाते हैं वहां इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो इसको अच्छे से याद रखिएगा ठीक है इसके बाद देखिए सी एग्रीकल्चरल ईयर अब बेयर मैंने इसलिए बोला था कल जो मैंने एक इसके रिलेटेड एक रील बनाई थी उसमें बोला था कि बेरेक्ट अपने पास रखिएगा तो कोई बात नहीं अगर नहीं भी है बेरेक्ट तो सुनते रहिए उसके बाद इन सारी चीजों को आप पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी ठीक है इसके बाद आता है एग्रीकल्चरल ईयर तो एग्रीकल्चर ईयर से क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्रोविजन में दिया एग्रीकल्चर ईयर और उसके बाद पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर ईयर कब से कमेंस होता है कमेंसमेंट डेट क्या है तो यहां पर कमेंसमेंट डेट क्या है एग्रीकल्चर ईयर की फर्स्ट जुलाई और सच अदर डेट एज दी स्टेट गवर्नमेंट मे वाय नोटिफिकेशन अपॉइंट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर ईयर की डेट क्या होगी फर्स्ट जुलाई होगी या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करे ठीक है उसके बाद देखिए बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट ई ई देखिए है ना बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट में पूछा जाता है कि बोनाफाइड एग्रीकल्चर कौन होता है ये तो ये, एक तो ये पता होना चाहिए दूसरा इस प्रोविजन का नंबर अह uh, एग्रीकल्चरिस्ट मींस अ पर्सन हु कल्टीवेट्स लैंड पर्सनली और हु में रीजनेबली एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड टू कल्टीवेट पर्सनली मतलब कोई भी पर्सन है वो पर्सनली किसी लैंड को कल्टीवेट करता है यानी कि एक लैंड को कल्टीवेट कराने का क्या तरीका होता है कि आप अपनी लैंड लीज पर दे दो है ना लीज पर किसी पर्सन को दे दो उससे उसको कल्टीवेट करेगा उससे जो भी क्रॉप आएगी उसको वो एज अ लीज जो जो भी उसका बेनिफिट होगा उसको डिवाइड कर देगा कुछ क्रॉप आपको दे देगा कुछ क्रॉप अपने पास रख लेगा है ना एक तो ये तरीका होता है किसी भी लैंड को कल्टीवेट कराने का एक क्या होता है कि आप पर्सनली अपनी लैंड को कल्टीवेट करते हो जो भी पर्सन अपनी लैंड को पर्सनली कल्टीवेट करता है या फिर उसके ये एक्सपेक्टेशंस की जाती है एक्सपेक्ट किया जाता है या फिर उससे कि वो उस लैंड को कल्टी पर्सनली कल्टीवेट करे तो उसको कहते हैं बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है याद रखिएगा इसके बाद एक एफ आता है कॉपरेटिव सोसाइटी सिर्फ इसका नंबर याद रखिए कॉपरेटिव सोसाइटी कहां दिया है उसके ठीक है नेक्स्ट जो है वो है होल्डिंग आई नंबर होल्डिंग का नंबर याद रखिएगा और होल्डिंग क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए होल्डिंग होती है पार्सल ऑफ लैंड सेपरेटली होल्डिंग का मतलब में जितनी भी लैंड है किसी भी पर्सन की एक में जो भी लैंड है उस सबका जो कलेक्ट कलेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं होल्डिंग कहते हैं और होल्डिंग होल्डिंग कहा डिफाइंड है टू आई में डिफाइंड है यह हमें दो बातें पता होनी चाहिए या इसके बाद आता है जे इम्प्रूवमेंट अब आपकी जो भी होल्डिंग है उसमें आप कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं जैसे कि मान के चलो आपकी कोई लैंड है एग्रीकल्चरल लैंड है उस एग्रीकल्चर एंड लैंड को आपने इरिगेट करने के लिए कोई भी बैल या फिर uh, जो होता है ना कुआ वगैरह आप बनाते हो वेल बनाते हो या फिर कोई भी ट्यूब वेल आपने uh, इंस्टॉल किया तो ये सो ये सारी जो चीजें होती है उस लैंड की वैल्यू को बढ़ाती हैं इंक्रीज करती हैं तो इस, इसको क्या कहते हैं इंप्रूवमेंट कहते हैं है ना तो डिफरेंट मेथड दिए गए हैं इंप्रूवमेंट के कि आपने एक ड्रेनेज सिस्टम एक ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट किया तो वो भी आपकी लैंड की वैल्यू को बढ़ाएगा इस तरह से डिफरेंट मैथड दिए गए हैं डिफरेंट बेस दिए गए हैं इंप्रूवमेंट के तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो याद रखिएगा कि किन 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 पॉइंट्स से हम मानते हैं कि किसी लैंड किसी होल्डिंग का क्या हुआ है इंप्रूवमेंट हुआ है ठीक है ये फाइव एक बार रीड कर कर लीजिएगा यही बातें बातें जो मैं कर रहा हूं वही यहां पर लिखी है है ना यहां से क्वेश्चन बन सकता है नंबर से भी क्वेश्चन बन सकता है इंप्रूवमेंट का उसके बाद आगे देखिए बट डज नॉट इंक्लूड अब जो भी टेम्परेरी हम कोई इंप्रूवमेंट करते हैं टेम्परेरी किसी बात का किसी भी टैंक का किसी भी well वेल का टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं जिससे किसी होल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है तो वो इंप्रूवमेंट में नहीं आएगा ठीक है बट डज नॉट इंक्लूड के बाद ए बी जो पॉइंट है उसमें यही बात लिखी गई है उन पॉइंट को भी याद रखिएगा ये बात हुई इसके बाद एक पॉइंट आता है इसके बाद जो आती है डेफिनेशन वो आती है के लैंड की वो डेफिनेशन का नंबर याद रखिएगा कि लैंड कहां डिफाइंड है बस के ठीक है क्या लिखा है सर सभी आता है तो क्या ना आता अनु समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हो सभी सर सभी आता है तो क्या नहीं आता अरे अनु अभी तो डायरेक्ट स्टार्ट हुआ है पढ़ना स्टार्ट किया है मैंने बहुत सी अब जो बातें आएंगी एग्जाम में जो आती हैं वो तो बताना पड़ेगा ना यार मुझे है ना ठीक है इसके बाद आता है एल होता है landless person bona fide, एक तो एक point में याद रखना है कि लैंडलेस पर्सन एक बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट होता है बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट हमने अभी टू ई में पढ़ा आई गेस इटमीन सभी आता है तो क्या नहीं आता पता नहीं अब एक तो ये सब बातों को इंटरप्रेट करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है ठीक है तो लैंडलेस पर्सन में बोनाफाइड एग्रीकल्चर होता है उसके बाद एक कुछ पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड जो स्टेट डिटरमाइन करती है जो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है अगर उस पर्टिकुलर एरिया से कोई से कम कम एरिया है ना कोई पर्सन एज अ लैंड होल्ड करता है तो उसको क्या कहते हैं हम लैंडलेस पर्सन कहते हैं कुल मिला के लैंड पर्सन का कॉन्सेप्ट इसलिए कि ये सब गरीब लोगों से रेवेन्यू रिकवर नहीं किया जाता ठीक है यह हुआ लैंडलेस पर्सन हमने समझ लिया यही लिखा है इसमें ठीक है तो ये नंबर याद रखिएगा लैंडलेस पर्सन का आगे बढ़ते हैं आगे जो डेफिनेशन है वो एक डेफिनेशन ऐड की गई थी 2015 अमेंडमेंट एक्ट से उसका सिर्फ नाम याद रखिएगा अर्बन लैंड अर्बन लैंड क्या होती है अर्बन लैंड दी गई है ओबी डेवलपमेंट प्लांस होते हैं अर्बन को डेवलप करने के वो उसको बताया गया उस लैंड को अर्बन लैंड उन एरियाज में जो लैंड आती है उसको अर्बन लैंड कहते हैं कुल मिला के ठीक है जो एग्रीकल्चर परपजेस के लिए, लिए इस्तेमाल नहीं होती बेसिकली तो वो वो भी याद रखिएगा अर्बन लैंड उसके बाद ऑर्चर्ड याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्चर्ड मतलब होता है फलो उद्यान है ना जहां पर जो फ्रूट ट्रीज होते हैं वो सब उगाए जाते हैं उसको बोलते हैं ऑर्चर्ड ऑर्चर्ड का नंबर है वो याद रखिएगा पी नंबर है टू पी ये इंपॉर्टेंट है इसके आगे बढ़ते हैं देखिए डेफिनेशन क्लॉज से ठीक है ये जो प्रोविज मैं डेफिनेशन में इसलिए थोड़ा सा समय यहाँ पर ज्यादा ले रहा हूं उसका रीजन ये है कि डेफिनेशन से क्वेश्चन बहुत बनते हैं है ना और डेफिनेशन है भी बहुत सारी उसके बाद देखिए यहां पर रेंट ये भी पूछा जाता है रेंट कहां दिया है रेंट आर टू टी में तो रेंट टी से टी याद हो जाएगा ठीक है रेंट सीधी सी बात है कोई भी पर्सन है वो एज अगर लेसी है ना चाहे भूमि स्वामी का लेसी चाहे गवर्नमेंट का लेसी एज अ लीज किसी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उसको वो क्या देगा रेंट देगा है ना तो ये जो भी किसी भी फॉर्म में कोई अमाउंट रिकवर होता है इस एक्ट के अंदर इस लॉ के अंदर उसको हम कहते तो क्या है अल्टीमेटली लैंड रेवेन्यू ठीक है तो ये सब सब अलग अलग फॉर्म्स हैं लैंड रेवेन्यू की रेंट हो गया है ना चाहे आप इसको और भी कोई अमाउंट है जो स्टेट रिकवर करती है डिफरेंट फॉर्म्स में तो यहाँ पर रेंट याद रखिएगा टू टी में और कौन देता है वो देख लीजिएगा जो मैंने बताया वही कहानी है इसमें एम पी यूज करके पढ़ने की गलती मत करिएगा क्योंकि आपका टाइम डबल वेस्ट हो जाएगा उसमें बहुत सी बातें हैं जो एम से दर पे डिफरेंट हैं, है ना तो आप यहाँ पढ़ेंगे फिर उसको सुधार करने के लिए दोबारा वहां पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका जो है वहीं से पढ़िए जहाँ का छत्तीसगढ़ का रेंट रेवेन्यू कोड ही पढ़िए आप ठीक है उसके बाद रेंट के बाद आता है रेवेन्यू ऑफिसर इसकी सिर्फ हेडिंग नंबर याद रखिएगा रेवेन्यू ऑफिसर का कहा दिया है वहां से नंबर पूछा जाता है उसके बाद देखिए रेवेन्यू ईयर इसका नंबर नहीं पूछा जाता रेवेन्यू ईयर की डेट पूछी जाती जैसे है जैसे कि एग्रीकल्चर ठीक है जैसे कि एग्रीकल्चर ईयर की डेट है एग्रीकल्चर ईयर की जो डेट है वो है उसके बाद रेवेन्यू ईयर की भी एक डेट है कमेंसमेंट डेट वो डेट यहां पर आप देखेंगे कमेंट्स में दे रखी है वो डेट है फर्स्ट अक्टूबर ठीक है तो वो रेवेन्यू ईयर की कमेंसमेंट डेट याद रखिएगा फर्स्ट अक्टूबर उसके बाद आता है सर्वे नंबर सर्वे नंबर का नंबर याद रखिएगा प्रोविजन नंबर वो पूछा जाता है इसके बाद टेनुअर होल्डर जेड है ना टेनुअर होल्डर कौन होता है टेनअर होल्डर वो पर्सन होता है जो गवर्नमेंट से लैंड होल्ड करता है ठीक है और इस लॉ में जो पर्सन गवर्नमेंट से लैंड होल्ड करता है है ना एक तरह थ्रू ओनर से प्राइट जिसको हम क्या कहते हैं भूमि स्वामी एक तो होता है लीज लीज पे आप गवर्नमेंट से प्रॉपर्टी होल्ड करते हो तो आप होते हो लेसी आप एज अ ओनर किसी एज अ ओनर उस प्रॉपर्टी के एज अ ओनर पर्टिकुलर लैंड के एज अ ओनर होल्ड करते हो तो आपको क्या कहते हैं भूमि स्वामी तो टेन और होल्डर कौन होगा इधर पे भूमि स्वामी कहा दिया है टू जेड में ये पूछा जाता है उसके बाद टिम्बर ट्रीज नंबर याद रखिएगा लिस्ट बहुत लंबी है याद भी नहीं होती वो हो, पूछा भी नहीं जाता जेड वन याद रखिएगा टिम्बर ट्रीज वो ट्रीज होते हैं जिनका बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होता है जिनको प्लांट करने का वो होता है कि उस उसका इस्तेमाल जो भी फर्नीचर वगैरह बनाने सब में किया जाता है ठीक है इधर पे इसके आगे देखते हैं अपन जेड टू जेड टू बहुत इंपॉर्टेंट है टू कल्टीवेट पर्सनली किस जैसे हमने क्या देखा था कि बोनाफाइड एग्रीकल्चर वो पर्सन होता है जो पर्सनली ठीक जिस है जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो, वो किसी भी लैंड जो भी लैंड है उसको पर्सनली कल्टीवेट करता है, है ना यानी लीज वगैरह के थ्रू नहीं करता तो यहाँ पर जेड टू जिसमें डिफाइंड है एक तो नंबर पूछा जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर की कुछ बातें वो पूछी जाती है कि टू कल्टिवेट पर्सनली का क्या मतलब होता है तो कोई भी पर्सन है वो बाय ओन वंस ओन लेबर किसी भी कल्टिवेशन करता किसी भी लैंड का या फिर बाय लेबर ऑफ एनी कैश बट नॉट इन शेयर ऑफ क्रॉप्स अगर क्रॉप शेयरिंग Uh, आप किसी भी पर्सन से क्रॉप uh, शेयरिंग के फॉर्म में किसी भी पर्सन को कंसिडरेशन देते हो कल्टीवेट करवाने के लिए आपके लैंड तो फिर वो लीज हो जाएगा है ना इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है बाय सर्वेंट्स ऑन वेजेस पेबल इन कैश और काइंड बट नॉट इन क्रॉप शेयर उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है बाय हायर्ड लेबर अंडर वंस पर्सनल सुपरविजन और दी पर्सनल सुपरविजन ऑफ एनी मेंबर ऑफ वंस फैमिली ये पॉइंट याद रखिएगा इसमें ठीक है टू कल्टिवेट पर्सनली उसके बाद जेड थ्री है अनऑक्युपाइड लैंड अनऑक्युपाइड लैंड क्या होती है जो किसी जिस पर किसी का अधिकार नहीं है है ना जैसे गांव में अगर गांव का का विलेज एग्जांपल लें तो उसमें एक एग्रीकल्चर लैंड होती है कुछ लैंड क्या होती है जिस पे, आ, पर लोग रहते हैं इनहेबिटेंट्स हैं है ना उसके बाद जो कुछ ऐसी लैंड होती है जो जिसको कोई ऑक्युपाई नहीं करता अनऑक्युपाइड लैंड होती है उसका इस्तेमाल बेसिकली कहा किया जाता है कि कोई पर्टिकुलर ग्राउंड बना दिया रोड बना दी है ना Uh, कवरिस्तान बना दिया इस तरह से क्रिमेशन ग्राउंड बना दिया वहां उस सबके लिए किया जाता है उसको कहते हैं अनऑक्युपाइड लैंड जेड थ्री कहते हैं दखल रहित भूमि तो ये नंबर याद रखिएगा अनऑक्युपाइड लैंड क्या होती है आपको पता होना चाहिए ठीक है यहां पर लिखा अनऑक्युपाइड लैंड मींस एन लैंड इन अ विलेज अदर देन आबादी सर्विस लैंड और द लैंड हेल्ड बाय भूमि स्वामी अटेट और अ गवर्नमेंट लेसी अब सर्विस लैंड क्या होती है हम इसके सर्विस लैंड को अभी पढ़ेंगे कि सर्विस, सर्विस लैंड का क्या मतलब होता है देखिए सीधी सी बात है सर्विस लैंड टर्म को समझ लेते हैं अगर कोई भी पर्सन है जो गांव में एज अ सर्वेंट अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ने विलेज सर्वेंट कहते हैं जिसको हम कुल मिला के चौकीदार टाइप मतलब चौकीदार की पोस्ट होती है एक तरह की वो वॉचमैन टाइप है ना तो उसको विलेज जो भी सर्वेंट होता है ड्यूरिंग हिज सर्विस उसको एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए कुछ लैंड दी जाती है उस लैंड को कहते हैं सर्विस लैंड ठीक है ठीक है आगे बढ़िए बिल्कुल यहां पर जो टर्म इस्तेमाल किया है आ, उसको बिलेज बिलेज सर्वेंट किया गया है और एमपीएलआरसी पढ़ते हैं तो उसी को हम पोतवार के नाम से जानते हैं ठीक है आगे देखिए इसमें अर्बन एरिया जेड फोर अर्बन एरिया का नंबर याद रखिएगा इसमें उसके बाद जेड फाइव में बिलेज का नंबर याद रखिएगा अब आप कहें ये तो आपने इतनी सारी डेफिनेशन बता दी अरे पूछी जाती है तो बताना पड़ेगा क्या करें है ना अब आगे देखिए इसमें एक जेड सिक्स करके और अभी अमे, 2022 अमेंडमेंट से एक जेड सिक्स जेड सिक्स एक डेफिनेशन और एड की गई है जो किससे रिलेटेड है डेवलपमेंट प्लान से जेड सिक्स डेवलपमेंट प्लान से डील करता है 2022 अमेंडमेंट से एड किया गया जो चोटी -चोटी है जो छोटी छोटी बातें हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अमेंडमेंट सी वो मैं अमेंडमेंट एक्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा तो वहां से एक बार टैली कर सकते हैं आप कोई उसमें समस्या नहीं है है ठीक आगे देखिए बोर्ड बोर्ड ऑफ ऑफ रेवेन्यू रेवेन्यू अब एक बात और मैं बता दूंगा आपको कि चैप्टर नंबर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है है ना लैंड रेवेन्यू कोड में क्वेश्चन एक पूछा गया था चैप्टर नंबर से तो जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर से वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उस चैप्टर नंबर का ठीक है तो जैसे चैप्टर टू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है काफी देखिए इसमें प्रोविजन नंबर थ्री क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया जाता है अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कौन होता है ये डिफरेंट ऑथोरिटीज हैं जो इस एक्ट में जिस, जिनको अपॉइंट किया जाता है टू रेगुलेट दी प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ ठीक है हाँ, अगर जो प्रोविजन सेम है एम पी एल आर सी में छत्तीसगढ़ एल आरसी में उनसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे एम पी एल आर सी के जो क्वेश्चन पूछ आए हैं है, वो छत्तीसगढ़ में भी है ना बट वो सेम होने चाहिए दोनों जगह ठीक है आगे देखते हैं प्रोविजन नंबर थर्ड पढ़ रहा हूं इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है सबसे बड़ी ऑथोरिटी होती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी ऑथोरिटी होती है राजस्व विभाग की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसका जो हेड होता है उसको उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं इतना याद रखना है बेसिकली क्वेश्चन बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किस प्रोविजन में दिया है प्रोविजन नंबर थ्री प्रोविजन नंबर फोर प्रिंसिपल सीट अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की प्रिंसिपल सीट कहां होगी है ना वो कहां होगी इसमें दे रखी है वो है बिलासपुर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट तो ये सीट पूछी जाती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की प्रिंसिपल सीट बिलासपुर याद रखिएगा पूछा जाता है ये सवाल उसके बाद यहां से हटाइए और सीधे आइए आप प्रोविजन नंबर इलेवन पे बिल्कुल एमपी में ग्वालियर है और उधर पे बिलासपुर है छत्तीसगढ़ में अब इलेवन प्रोविजन पे आइए जो इलेवन नंबर का जो आपका प्रोविजन है वो बात करता है डिफरेंट रेवेन्यू क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स है ना रेवेन्यू ऑफिसर जो यहाँ पर दिए हैं उससे उसके अलावा भी कुछ ऑथोरिटीज हैं है ना जिनको रेवेन्यू ऑफिसर का दर्जा नहीं दिया गया स्टेटस नहीं दिया गया उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है है ना लेकिन और भी ऑथोरिटीज हैं। तो क्वेश्चन बनता है आपसे ऑप्शन दिया जाते हैं पूछा जाता है कि इनमें से कौन रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है या फिर है इस तरह का क्वेश्चन बनता है ठीक है

कि प्रॉपर सर्वे होता है कि किस लैंड से कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट रिकवर करेगी उसके लिए प्रॉपर एक लैंड सर्वे किया जाता है हर एक तीस साल में एक बार होता है थर्टी ईयर्स में एक बार कम से कम होता है है ना अनु इस आप मेरी जो बात में इसके बारे में कहना चाहता हूं वो ये है कि एम पी एडीपी एडीपीओ के लिए हमने सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे एक्ट पढ़ाए थे वो बोर्ड पे ही पढ़ाए थे इस एक्ट को बोर्ड पे ना पढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन ये है इसमें कई इस तरह के अमेंडमेंट्स आए हैं जो मे उतना संभव नहीं था उसको उसमें इनकॉर्पोरेट करके बोर्ड पे पढ़ाना उसका एक रीजन ये है और दूसरा रीजन ये है कि अगर प्रोविजन इतने ज्यादा है कि अगर मैं बोर्ड पर पढ़ाने जाता तो इसमें कई क्लासेस मुझे लेनी पड़ती लेकिन एग्जाम आप लोगों का पास है तो थोड़ा सा आप लोगों को इसके रेस्पेक्ट में कॉपरेट करना पड़ेगा मैं सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बताते जा रहा हूं आप अगर डायरेक्ट आपके पास है तो आप उसको आसानी से देखकर पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे ठीक है तो थोड़ा सा आपको इस रेस्पेक्ट में कॉपरेट करना पड़ेगा अगर पॉसिबल होता तो मैं उसको बोर्ड पर ही पढ़ा था ठीक है मेरे हिसाब से कट ऑफ टू से टू 250 से 260 के बीच हो सकता है एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न 250 फिफ्टी टू टू ठीक है अब यहां पर 11 देखिए प्रोविजन नंबर 11 देखिए इसमें डिफरेंट ऑथोरिटीज हैं उन ऑथोरिटीज के नाम दिए हैं अब उसमें से मैं बताया था कि कुछ एक ऑथोरिटीज हैं जिसका स्पेसिफिक फंक्शंस कहां मिलेंगे आपको जब एक लैंड का सर्वे होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि वो कहां दिया और कैसे उसको कनेक्ट करना है इस पर प्रॉपर एक सेशन लेंगे प्रॉपर सेशन लिया जाएगा नितेश सर लेंगे ऑफ पर आज आंसर की आ गई है कल या परसों में है ना मोस्ट प्रोबेबली टुमारो और डे आफ्टर टोम एक प्रॉपर सेशन लेंगे उसमें बताएंगे कि cut -off किस तरह तरह से से जाने वाला इस तरह, इस बार यूपी ठीक है तो वहां थोड़ा बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाएंगे जान पाएंगे अब रेवेन्यू ऑफिसर्स में पहला जो ऑफिसर है उसका नाम है कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड है ना कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड देखिए मैं बोर्ड पर लिखा के ना लिखाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो आप लोगों के लिए देरी रहे मतलब आप लोगों की देरी होगी कुल मिला मुझे तो कोई नहीं है मैं इसकी दो तीन क्लास ले लू लेकिन ट्वेंटी सिक्स फेबर को एग्जाम है जितनी जल्दी आप लोग समझते जाए क्योंकि इसमें कुछ बहुत अलग तो अद्भुत तो आता नहीं है जो आता है डायरेक्ट में से पूछा जाता है इसके अलावा कोई कहानी नहीं होती है तो जितना जल्दी आप इसको समझेंगे आप इनकॉर्पोरेट करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा एज फार एज दिस पर्टिकुलर लॉ इज कंसर्न कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड दूसरी ऑथोरिटी है एडिशनल कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर थर्ड फोर्थ एडिशनल कमिश्नर कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर एडिशनल कलेक्टर एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर असिस्टेंट कलेक्टर ज्वाइंट कलेक्टर डेप्यूटी कलेक्टर तहसीलदार एंड असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर एडिशनल तहसीलदार सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड नायब तहसीलदार एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड ठीक है तो ये सारी ये जो अथॉरिटीज होती हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं इनके नाम पढ़ के जाइएगा क्वेश्चन बनता है सीधा यहां से सेक्शन इलेवन देखिए इससे बेरेक्ट के यहां तक प्रोविजंस की की बात है तो जो भी जो भी रीजनेबल हेल्प रहेगी मैं आप लोगों कर दूंगा उसमें कोई समस्या नहीं है है ना अभी आप सिर्फ सुनते जाइए देखते जाइए कौन सी चीज कहां पर है आप एक बार बेरेक्ट सामने लेके बैठेंगे बहुत आप मतलब आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान है बहुत आसानी से हो गया ये सब कवर तो उस तरह से इतमान से थोड़ा सा बस सुन लीजिए समझ लीजिए हो जाएगा अब पर कुछ ऑथोरिटीज हैं, जिनका मेन कहा जाएगा ना वहां पर कुछ ऑथोरिटीज का काम आएगा उन ऑथोरिटीज के मैं नाम बता देता हूं जैसे कि कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड एक तो ये ऑथोरिटीज हो गई जब लैंड सर्वे होगा उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर और डिप्टी सर्वे ऑफिसर इन चार ऑथोरिटीज का काम कहां आपको देखेगा जब लैंड सर्वे के हम प्रोविजन पढ़ेंगे सेक्शन 62, 63, 64, 65 वहां पर इन सारी का काम रहेगा जब हम डिस्कस करेंगे दोबारा इस प्रोविज़न को कनेक्ट करेंगे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है अब इसके बाद देखिए ये हुआ हमारा सेक्शन 11 अब सेक्शन 11 के बाद देखिए सेक्शन सेक्शन ट्वेल्व क्या है बताता है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स पे कंट्रोल किसका रहेगा अगर हम इन जनरल बात करें तो ऑल रेवेन्यू ऑफिसर सेल बी सबिनेट टू स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन नंबर ट्वेल्व पूछा जाता है प्रोविजन का नंबर याद रखिए नंबर याद रखिएगा उसके बाद अंदर का कंटेंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो याद रखिएगा क्वेश्चन बनता है ठीक है ऑल रेवेन्यू बी टू स्टेट जितने भी स्टेट में रेवेन्यू ऑफिसर होंगे वो किसके सबॉर्डिनेट होंगे स्टेट गवर्नमेंट के और इन जनरल बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के होंगे लेकिन उसके नीचे भी कुछ ऑथोरिटीज हैं है ना जैसे कि कमिश्नर हो गया कलेक्टर हो गया तो अब उनके बारे में पढ़ सकते हैं जैसे डिवीजन हो गया तो डिवीजन डिवीजन में जो हेड होता है जैसे कि रायपुर डिवीजन बिलास बिलासपुर डिवीजन फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं रायपुर डिवीजन तो रायपुर डिवीजन में कई डिस्ट्रिक्ट होंगी चार से पांच डिस्ट्रिक्ट होंगी कम से कम रायपुर डिवीजन में तो उस डिवीजन का जो हेड होगा वो कौन होगा कमिश्नर तो जो डिवीजन में जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे वो किसके सबॉर्डिनेट होंगे कमिश्नर के इस तरह जो डिस्ट्रिक्ट होगी उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे वो किसके सबॉर्डिनेट होंगे कलेक्टर के डिस्ट्रिक्ट में बॉस कौन हो गया कलेक्टर है डिविजन में बॉस कौन हो गया कमिश्नर और पूरे स्टेट का बॉस तो स्टेट गवर्नमेंट है ये कहानी ठीक है सेक्शन ट्वेल्व के बाद आता है सेक्शन थर्टीन सेक्शन थर्टीन में क्या है पावर टू ऑल्टर डिविजन डिस्ट्रिक्ट एंड अब मैंने आपको बताया कि दिवीज... स्टेट को कैसे डिवाइड किया गया है एडमिस्ट प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर सब डिविजन में तो और उसके बाद तहसील्स भी बनाई जाती हैं तो इस तरह से वो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होता है अब यहां पर पूछा गया है कि पावर टू ऑल्टर क्रिएट और अबोलिस डिविजन डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजन और तहसील इनको बनाने का इनमें कुछ आ, करने का, इनमें आपस में कुछ ऑल्टरेशन करने का ये सब राइट किसको रहता है स्टेट गवर्नमेंट की पावर है ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोविजन भी इंपॉर्टेंट है और ये पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट गवर्नमेंट की ठीक है मूविंग फर्दर नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो है फोर्टीन फोर्टीन प्रोविजन क्या कहता है पावर टू अपॉइंट कमिश्नर्स ऑफ डिविजन अब देखिए जो डिफरेंट रेवेन्यू ऑफिसर हमने पढ़े ना अभी सेक्शन uh, इलेवन में उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात है कि किसको कौन अपॉइंट करता है मोस्टली जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है अब इसमें हम सिर्फ उन प्रोविजंस को पढ़ेंगे जो उन रेवेन्यू uh, ऑफिसर्स की बात करते हैं जिन जिनका अपॉइंटमेंट बहुत मतलब जिनका अपॉइंटमेंट स्टेट को करना ही पड़ेगा मैंडेटरी है या फिर कुछ डिफरेंट ऑथोरिटीज हैं जैसे कि फोर्टीन देखिए सेक्शन पावर टू अपॉइंट कमिश्नर ऑफ तो स्टेट गवर्नमेंट सेल किसको स्टेट गवर्नमेंट को तो ये होगा सेक्शन फोर्टीन इसके बाद सेक्शन सिक्सटीन देखिए पावर टू अपॉइंट कलेक्टर द स्टेट गवर्नमेंट सेल अपॉइंट इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट में आपको अपॉइंट तो करना ही पड़ेगा सेक्शन सिक्सटीन इंपॉर्टेंट है है ना ये सारी अपॉइंटमेंट तो स्टेट ही कर रही है अब इसमें एक प्रोविजन आता है जो इंपॉर्टेंट है 22 प्रोविजन आता है 22 प्रोविजन क्या कहता है कि जो कलेक्टर होता है ना कलेक्टर क्या करता है जो भी हमने पढ़ा असिस्टेंट कलेक्टर ज्वाइंट कलेक्टर और डिप्यूटी कलेक्टर इन सबको डिवीजन का हेड बनाता है डिस्ट्रिक्ट्स को डिफरेंट सब डिविजन में डिवाइड किया गया है उन सब सब का का हेड किसको बनाता है असिस्टेंट कलेक्टर 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 और जॉइंट या फिर डिप्टी इनको डिवीजन इंचार्ज बना, इंचार बनाता है और इन्हीं ऑफिसर्स का नाम जब वो सब डिवीजन के इंचार्ज होते हैं इन ऑफिसर्स का नाम क्या हो जाता है एस डीओ सब डिविजनल ऑफिसर है कौन ऑफिसर्स यही सब है असिस्टेंट कलेक्टर ज्वाइंट कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर इनको इंचार्ज बनाता है सब डिवीजन का कलेक्टर और उसके बाद इनका नाम क्या हो जाता है सब डिविजनल ऑफिसर सेक्शन ट्वेंटी टू इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके बाद देखिए सेक्शन ट्वेंटी फोर कन, कन, कन्फरल बाय ठीक है कन्फरल बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पावर्स और रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड अदर पर्सन अब रेवेन्यू जो गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिशियल है उस पर रेवेन्यू ऑफिसर की पावर कंफर की जा सकती है बाय स्टेट गवर्नमेंट ये है सेक्शन ट्वेंटी फोर इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है बाद देखिए ट्वेंटी एट प्रोविजन चैप्टर फोर ये क्या बात करता है यहां तक हमने क्या समझा अभी तक रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में समझ लिया चैप्टर थ्री में उनके क्लासेस उनकी पावर्स अब जानते हैं चैप्टर फोर प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स अब रेवेन्यू ऑफिसर्स के सामने अगर कोई भी मैटर आएगा इस लॉ के अंदर कोई भी डिस्प्यूट होता है कुछ भी मैटर आता है उनके सामने तो उस उसकी रेस्पेक्ट में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा उसके बारे में चैप्टर फोर है तो अब देखिए इसमें सेक्शन ट्वेंटी एट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पावर टू एंटर अपॉन एंड सर्वे लैंड किसी भी लैंड लैंड पर एक्सेस करने की और उसको सर्वे करने की पावर के बारे में बात किया गया है ये किसके किसके पास ऑथोरिटी है ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स मेजर्स एंड पटवारी इसका सिर्फ आप हेडिंग याद रखिएगा इसकी ट्वेंटी एट प्रोविजन की पावर टू एंटर अपॉन एंड सर्वे लैंड ठीक है किसी भी लैंड पर आपको एंटर करना है एक्सेस करना है और उसको सर्वे करना है बस ये है कि अगर आप किसी भी इंक्वायरी के पर्पज से आप अगर किसी ड्वेलिंग हाउस को या फिर ड्वेलिंग हाउस से कनेक्टेड जो भी आउट हाउसेस वगैरह होती हैं, जो भी गैरेज होती हैं, अगर वहां पर आप एंट्री करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका जो भी ऑक्यूपायर है है ना जो भी उसके पजेशन में है जो पर्सन उसको आप इंटीमेट करेंगे पहले बताएंगे और 24 फोर आवर्स का प्रायर नोटिस देंगे उसके बाद ही आप एंटर कर सकते हैं सेक्शन 28 में ये इंपॉर्टेंट है इसका जो प्रोविजो दिया है ना उसमें थर्ड लाइन में जो 24 फोर आवर्स का नोटिस लिखा है वो नोटिस याद रखिएगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर आवर्स नोटिस ठीक है सेक्शन ट्वेंटी का जो प्रोविजो है उसकी थर्ड लाइन है ना वो याद रखिएगा जो कहानी है वो मैंने आपको बता दी उसके बाद देखिए पावर टू ट्रांसफर केसेस अब जैसे कि हमने देखा होगा कि जो भी कोर्ट होते हैं हमने जैसे सिविल लॉ पढ़ा होगा तो उसमें कोर्ट्स जो होते हैं वो ए, ए, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट पर क्या कर सकते हैं केस ट्रांसफर कर सकते हैं खुद खुद के पास कोई केस है खुद को डिसाइड करना है वो कोर्ट खुद भी अपने केस को किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को जिस जो उस पर्टिकुलर केस को डिटरमाइन करने के लिए कॉम्पिटेंट है उसको ट्रांसफर करता है तो इसी तरह से से भी केसेस का एक कोर्ट दूसरे कोर्ट में क्या होता है ट्रांसफर होता है देख लेते हैं डिरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर केस बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रेवेन्यू ऑफिसर टू एनी अर रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ एन इक्वल और सुपीरियर रैंक इन द सेम डिस्ट्रिक्ट और एनी डिस्ट्रिक्ट देखिए रेवेन्यू जो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है वो कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर से उठा के जो मैटर है वो किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्या कर सकता है ट्रांसफर कर सकता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो सबसे बड़ी ऑथोरिटी है इसकी लैंड रेवेन्यू कोड में ठीक है तो ये कहानी है सेक्शन 29 की ये याद रखिएगा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू केसेस को ट्रांसफर कर सकता है एक रेवेन्यू ऑफिसर से दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर के पास उसके बाद देखिए सेकेंड uh, जो इसका सबसेक्शन टू है सेक्शन ट्वेंटी नाइन का उसमें क्या लिखा है द कमिश्नर ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम अब देखिए कमिश्नर के पास भी ट्रांसफर करने की पावर है अब कमिश्नर का जो जूरिस्टिक्शन है वो किस कहां पर है उस पर्टिकुलर डिवीजन में ठीक है इस डिवीजन का वो कमिश्नर है तो उस डिवीजन में जो भी डिस्ट्रिक्ट होंगी वहां उन डिस्ट्रिक्ट में एक रेवेन्यू ऑफिसर से उठा के केस को दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर के पास वो भेज सकता है ट्रांसफर कर सकता है ठीक है ये 29 में किसकी पावर होगी ट्रांसफर करने की, को, की, और की उसके बाद ऑथोरिटी है, है, किस, है कलेक्टर की तो बात करता है क्या कि जो कलेक्टर और जो सब डिविजनल ऑफिसर होता है जो सेक्शन ट्वेंटी में अपॉइंट हुआ था ठीक है मे मेक ओवर एनी केस और क्लास ऑफ केसेस ठीक है वो जो भी केसेस उनके पास आए हैं है ना फॉर डिसीजन डिसाइड करने के लिए एडजुडिकेट करने के लिए किसके पास कलेक्टर और एसडीओ के पास सब डिविजन ऑफिसर के पास वो केस को अपनी फाइल में से किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर का जो भी सबोर्डिनेट उनके रेवेन्यू ऑफिसर है उसको क्या कर सकते हैं मेक ओवर कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं ठीक है फॉर द एडजुडिकेशन बस ये होना चाहिए कि जिस भी रेवेन्यू ऑफिसर को वो केस ट्रांसफर कर रहे हैं सच रेवेन्यू ऑफिसर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू डिटरमाइन दैट पर्टिकुलर केस ठीक है अब इसके बाद देखिए और इनके पास और पावर क्या है कि विदड्रॉ कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर रेवेन्यू ऑफिसर है कलेक्टर और एसडीओ के उनके उनसे केस को विडड्रॉ करके दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर के पास भेज सकता है मेक ओवर कर सकता है सेक्शन ट्वेंटी नाइन बात करता है ट्रांसफर करने की केसेस को है ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबसे बड़ी ऑथोरिटी है कोड में वो एक रेवेन्यू ऑफिसर से उठा केस दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर के पास ट्रांसफर कर सकता है ठीक है इसी तरह से डिवीजन में कमिश्नर कर सकता है एक रेवेन्यू ऑफिसर से केस उठा के दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकता है ये सब बात लिखी है सेक्शन ट्वेंटी में ट्वेंटी देखिए सेक्शन सेक्शन थर्टी देखिए इसमें जो कलेक्टर और एसडीओ की पावर हमने अभी डिस्कस की उसके बाद इसका प्रोविजो इसका सेकंड सेकेंड सबसेक्शन टू है सेक्शन थर्टी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें क्या बात करता है कमिश्नर कलेक्टर सब डिविजन ऑफिसर और तहसीलदार देखिए एक क्वेश्चन आया था एक बार क्या तहसीलदार केस को मेकओवर कर सकता है एक उसके सबोर्डिनेट किसी एक रेवेन्यू ऑफिसर से दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर के पास तो तहसीलदार के, के पास केस को मेकओवर करने की पावर नहीं रहती उसके पास जो पावर रहती है मेकओवर करने की वो इंक्वायरी मेकओवर कर सकता है ठीक है वो क्या मेकओवर कर सकता है इंक्वायरी तहसीलदार में मेकओवर फॉर इंक्वायरी एंड रिपोर्ट एनी केस

स्टेटस ऑफ कोर्ट्स ऑन बोर्ड एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स। तो जो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है और रेवेन्यू इसके बाद देखिए सेक्शन थर्टी टू इनहेरेंट पावर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट जैसे हमने पढ़ा था सेक्शन 151 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में इनहेरेंट पावर दे रखी है ठीक है कोर्ट्स की यहां पर क्या दे रखी है कि जो बिल्कुल इंक्वायरी के लिए कर सकता है ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार सेक्शन 32 इनहेरेंट पावर की बात करता है रेवेन्यू कोर्ट्स की इनहेरेंट पावर क्या होती है इनहेरेंट पावर वो पावर होती है जिसमें आप अगर प्रोविजंस में जो पर्टिकुलर प्रोविजंस है उसमें कोई बात नहीं लिखी गई है तो उस बात से रिलेटेड भी आप कोई डिसीजन ले सकते हैं बाय एक्सरसाइजिंग योर इनहेरेंट पावर तो इस दे रखा है कि दो ग्राउंड दे रखे हैं कि फॉर ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट द एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट इन दो बातों के लिए आप अपनी इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज कर सकते हो कौन रेवेन्यू कोर्ट सेक्शन थर्टी टू थर्टी वन बहुत इंपॉर्टेंट है है ना ये सारे प्रोविजन में जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनते हैं यहाँ सेक्शन थर्टी थ्री पावर ऑफ रेवेन्यू टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ पर्सन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड टू रिसीव एविडेंस अब अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर है किसी केस को मैटर को एडजुटिकेट कर रहा है तो सीधी सी बात है वो किसी पर्सन को टेस्टिमोनी के लिए एज अ बिटनेस बुला सकता है कोर्ट में सवाल जवाब करने के लिए उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए किसी पर्सन को बोल सकता है तो ये सारी पावर कहाँ दे रखी है सेक्शन 33 में ठीक है इतना याद हमें यहाँ से रखना है सेक्शन 33 से सिर्फ इतनी बात याद रखनी है सेक्शन 34 कंपेलिंग अटेंडेंस ऑफ बिटनेस अब सेक्शन 33 में आ, किसी पर्टिकुलर मैटर की सुनवाई में है ना क, आ, उसको किसी पर्सन को एज अ विटनेस बुलाया ठीक है और वो पर्सन नहीं आया कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं हुआ है ना उपस्थित नहीं हुआ पियर नहीं हुआ तो उस पर्सन उस विटनेस की अटेंडेंस कंपेयर की जाएगी उसको डिफरेंट मेथड से मेथड्स अप्लाई करके उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा वो सारे मेथड्स कहां दे रखे हैं एबीसी सेक्शन 34 में उसके खिलाफ एक ऑफ अरेस्ट अरेस्ट करके उसको कोर्ट कोर्ट में अपियर होने के के लिए मतलब कोर्ट में करने बोला किया जा सकता है उसके बाद उससे सिक्योरिटी मांग, मांगी जा सकती है कि तुम कोर्ट में तुम अपनी अपियरेंस की मतलब तुम्हें जब भी हम कोर्ट में बुलाएंगे तो अपियर हो जाओगे इस बात की सिक्योरिटी दो दूसरी बात तीसरा

जो पर्सन केस फाइल कर रहा है उसको प्लेंटिव कहते हैं और जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया उसको डिफेंडेंट कहते हैं एप्लीकेंट और नॉन एप्लीकेंट भी कहते हैं अगर आपने एप्लीकेशन के थ्रू अपना कोई मैटर कोर्ट के सामने ले गए हैं तो ठीक है तो जो पर्सन जिसने भी केस फाइल किया है अगर वो पर्सन कोर्ट में पर्टिकुलर कोर्ट में अपियर नहीं होता तो कोर्ट उस केस को क्या कर देता है डिसमिस कर देता है अगर जिस पार्टी के अगेंस्ट केस कोर्ट में लाया गया इंस्टीट्यूट किया गया है वो पार्टी अपीयर नहीं होती अपोजिट पार्टी जिसके खिलाफ मामला लाया गया है है कोर्ट कोर्ट में तो क्या करता प्रोसीडिंग एक्स पार्टी कर देता है 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 ना एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर देता है, यानी कि बिना उस पर्सन की अनुपस्थिति में है ना उस पर्सन की एब्सेंस में पूरी कार्रवाई होगी और केस डिसाइड होगा अब अगर कोई पर्सन कोर्ट में नहीं आ पाया कोई भी अपोजिट पार्टी या फिर कोई भी पार्टी जिसने केस फाइल किया था वो नहीं आ पाया और कोर्ट ने क्या कर दिया वो जो मैटर था उसको सेट असाइड कर दिया है ना कि इस मैटर में हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे हटाओ ये मामला हमें देखना ही नहीं है अगर ऐसी कुछ बात हो गई या फिर कोई पार्टी कोर्ट अपोजिट पार्टी कोर्ट में नहीं आ पाई और कोर्ट ने एक एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया मतलब सिर्फ एक पार्टी को सुन के जो कोर्ट में आई थी जिसने केस फाइल किया था ऐसा कोई ऑर्डर आया है तो इस तरह के ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए आप तीस दिन के अंदर थर्टी डेज जब वो ऑर्डर आया है या फिर उसकी जब आपको जानकारी हुई है उस दिन से 30 दिन के भीतर विद इन थर्टी डेज आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्स पार्टी ऑर्डर के अगेंस्ट एप्लीकेशन कितने दिनों में फाइल करनी है तो थर्टी डेज में उसका आंसर है सेक्शन थर्टी है ये थर्टी डेज कहा दिया गया है ये दिया गया है सेक्शन थर्टी का जब हम सबसेक्शन थ्री पढ़ेंगे तो उसमें जो सेकंड लाइन है सेक्शन थर्टी फाइव का सबसेक्शन थ्री है उसके सेकंड लाइन है उसमें दे रखा है विद इन थर्टी डेज ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद सेक्शन थर्टी सिक्स जो दोनों एक्ट है अमेंडमेंट एक्ट है जो है ना और जो एक्ट है वो मैं शेयर करवा दूंगा वो सब कोई समस्या वाली बात नहीं है है ना आप बस यहां पर चीजें समझ लीजिए कहां से क्या इंपॉर्टेंट है किस बात का क्या मतलब है और बहुत आराम से हो जाएगा इसमें लिखा है बेसिकली इसमें ये होता है कि अगर कोई कोई पर्सन ये कोर्ट के सामने कहता है कि भाई हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो वो वहां से देखा जाएगा उसका अगर उसके बारे में जानकारी थी किसी पर्सन को नॉलेज थी तो देखा जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर अगर जानकारी नहीं थी है ना तो देखा तो फिर जब नॉलेज हुई उसको ऑर्डर की तब से है ना ये बात होती है इसमें ऐसे ही अब कोई भी आप केस सुन रहे हैं तो उस केस में क्या होते हैं एडजमेंट होते हैं है ना कभी कोई पार्टी नहीं आई कभी कोई बिटनेस नहीं आया ये सब वो कहानी हम सिविल में क्रिमिनल में सुनते रहते हैं एडजमेंट ऑफ हियरिंग कोई मैटर चल रहा है कोई पार्टी नहीं आई बिटनेस नहीं आया तो मुलतवी कर दी जाती है वो है ना सुनवाई को स्थगित कर दिया जाता है एडजमेंट एड़, एड़, एड, बोलते हैं एड

तो मैक्सिमम कितने एडजस्टमेंट दिए जाएंगे फोर एडजस्टमेंट दिए जाएंगे और हर एक पर कॉस्ट लगाई जाएगी ठीक है अगर आपकी गलती के कारण एडजस्टमेंट हुआ है तो आप पर कॉस्ट लगेगी है ना कॉस्ट मतलब होता है कुछ खर्चा वर्चा देना आता है आप आप नहीं आए दूसरी पार्टी आई तो बेचारा उसका आने जाने का खाने पीने का खर्चा हुआ सब देना पड़ता है आपको ठीक है तो ये हो गया थर्टी सिक्स थर्टी सेवन में जो दिया है पावर टू अवॉर्ड अवॉर्ड कॉस्ट है ना तो कोई भी मैटर होता है उसमें एक पार्टी से दूसरी पार्टी को कोर्ट कॉस्ट दिलवाता है खर्चे दिलवाता है अब देखता है कोर्ट उसमें कि किस पार्टी का फॉल्ट था इस पर्टिकुलर केस में उस हिसाब से तो ये नंबर याद रखिएगा कि रेवेन्यू ऑफिसर कॉस्ट भी दे सकता है प्रोसीडिंग की ठीक है पावर टू अवॉर्ड कॉस्ट ये याद रखिएगा थर्टी क्वेश्चन बनता है इधर से अब टाइट यहां पर कहानी इधर की हो गई कुछ नहीं करना इधर पर आगे बढ़ते हैं प्रोविजन नंबर आइए फोर्ट फैस है ना चैप्टर फाइव चैप्टर फाइव एक बार इसका नंबर पूछा गया है कि कौन सा चैप्टर है एलआरसी का जो अपील रिवीजन और रिव्यू की बात करता है ठीक है तो ये देखिए सेक्शन नंबर फोर्टी फोर सेक्शन नंबर फोर्टी फोर में बताया गया है कि अपील अपील होगी और अपील की कोई अपीलेट ऑथोरिटी होगी इसके बारे में बताएगी कि किस अपील किस ऑथोरिटी से किस ऑथोरिटी के पास जाएगी उसके बारे में बात करता है सेक्शन 44 बहुत इंपॉर्टेंट है अब सेक्शन 44 क्या हुआ है सब्सटीट्यूटेड हो गया है सेक्शन जो अमेंडमेंट एक्ट आया है टू उससे ये पूरा का पूरा जो फोर्टी जो प्रोविजन है वो सब्सिट्यूट हो गया है ठीक है एंड अपील, एक, अपील की है है ठीक अब एक की हैं ना उसमें से से मैं आपको कुछ important authorities बता देता हूं कि वहां क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं ठीक है एक बार आप पढ़ लीजिएगा सारी ऑथोरिटीज कि किसकी अपील कहां जा रही है लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूं सेक्शन फोर्टी में जो ए पॉइंट दिया है उसमें दिया है कि अगर किसी रेवेन्यू ऑफिसर ने

पॉइंट जी इंपॉर्टेंट है जो कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड के पास जो अपील जाती है उसके बाद एच इंपॉर्टेंट है 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 ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास अपील जाती है। ये सारे की अथॉरिटीज इंपॉर्टेंट है मतलब है ना आप रीड कर लीजिएगा लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब ये देखिए सेकेंड अपील अब ये ये बात थी फर्स्ट अपील की अब सेकेंड अपील चुनिंदा अथॉरिटी को जाती है हर अथॉरिटी को नहीं जाती सेकंड अपील सिर्फ दो अथॉरिटीज के पास जाती है कमिश्नर के पास और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ठीक है ए और बी सब सेक्शन टू का ए बी पॉइंट अब सेकंड अपील जो होती है उसके कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड है हर ग्राउंड पर सेकेंड अपील नहीं होती वो ग्राउंड कहाँ दिए हैं सब सेक्शन थ्री में सब सेक्शन थ्री में क्या लिखा है इफ द ओरिजिनल ऑर्डर हैज इन द फर्स्ट अपील बीन वेरिड और रिवर्स्ड अगर फर्स्ट अपील में जो ओरिजिनल ऑर्डर आया था जिससे फर्स्ट अपील की गई थी उस ऑर्डर को फर्स्ट अपील में रिवर्स कर दिया गया है या फिर मॉडिफाई कर दिया गया है ठीक है तो उस केस में क्या होगा सेकंड अपील फाइल हो सकती है उसके बाद एक बात तो ये होगा ये तो होना ही चाहिए ये वाला ये एक बात हो गई उसके बाद या फिर इफ ऑर्डर इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ या फिर जो ऑर्डर पास हुआ है फर्स्ट अपील में वो लॉ के पूरी तरह से कॉन्ट्रेरी है या फिर कोई भी मटेरियल इशू था जो केस में उसको डिटरमाइन नहीं किया गया है या फिर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया डिटरमाइनिंग दी डिटरमाइनिंग दी फर्स्ट अपील है ना तो फर्स्ट अपील में क्या, क्या क्या नहीं किया गया प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है तो ये सब कहानी आ, रहती है सेकंड अपील ओरिजिनल ऑर्डर like तो अगर जैसे <coughs> कोई भी रिव्यू में कोई ऑर्डर पास हुआ है रिव्यू क्या होता है कोई भी ऑथोरिटी अगर कोई डिसीजन देती है उसके बाद उसी अथॉरिटी के पास दोबारा उस ऑर्डर को जो अगर मान के चलो मैं एक अथॉरिटी हूं मैंने कोई डिसीजन पास किया किसी केस में है ना तो दोबारा मेरे पास उस मेरे डिसीजन को रिव्यू करने के लिए मेरे पास लेके आया जाता है कि सर आपसे कहीं कोई गलती हो गई है इस केस में आप दोबारा इस मामले को सुनिए अपने मामले को जिसमें आपने डिसीजन दिया है तो उसको बोलते हैं रिव्यू तो अगर रिव्यू में कोई भी ऑर्डर बैरी हुआ है है ना मॉडिफाई हुआ है रिवर्स हुआ है तो उसकी अपील भी कैसे होगी जैसे कि एक ओरिजिनल ऑर्डर की अपील होती है इंपॉर्टेंट है है क्वेश्चन बनता यहां से उसके बाद देखिए ये सब होगी फोर्टी फोर के बाद जो आती है बात वो आती है फोर्टी सिक्स कुछ ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील नहीं होती ये बहुत इंपॉर्टेंट है है ना यहां पर ए बी सी डी करके कुछ बताया गया है कि इन ऑर्डर्स की अपील नहीं होगी वो क्या क्या है ठीक uh, uh, है एडमिटिंग एन अपील और या फिर रिव्यू की आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं ये रिव्यू uh, की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए है ना या फिर जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की uh, जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो जाए उसके रेस्पेक्ट में या फिर कोई भी इंटरम नेचर का कोई ऑर्डर है इन सबसे रिलेटेड अपील नहीं होती सेक्शन 46 के एक बार ग्राउंड्स देख लीजिएगा यहां से क्वेश्चन भी बनता है ठीक है और ये सारे नंबर तो इम्पोर्टेंट है 44 का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और 46 के ग्राउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद देखते हैं 47 सेवन फोर्टी सेवन में अः डेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अपील आप फाइल करनी है किस ऑथोरिटी से आप कि, किस ऑथोरिटी के सामने अपील फाइल कर सकते हो उसके उसका पीरियड दे रखा है वो देखिए पीरियड लिमिटेशन ऑफ अपील एबीसी करके देखिए द सब डिविजनल ऑफिसर और कलेक्टर ऑफ सेटलमेंट ऑफिसर और सेटलमेंट कमिश्नर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फोर्टी फाइव डेज अब ये देखिए बेसिक क्या है इसमें आप आगे देखेंगे तो अमेंडमेंट किया गया है जो सेटलमेंट ऑफिसर है उसको हम क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर और जो जो सेटलमेंट कमिश्नर है उसको 2022 अमेंडमेंट के बाद कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड कर दिया है मोस्टली प्रोविजन में कर दिया है यहां पर नहीं किया है है ना 47 में नहीं किया है लेकिन आप जब अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे 2022 का तो उसमें ज्यादातर जो प्रोविजन्स है जहां भी सेटलमेंट ऑफिसर लिखा है उसको क्या कर दिया है अभी इस समय क्या बना दिया है उसको uh, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर और जो सेटलमेंट कमिश्नर है उसको कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड नाम दे दिया है यहां पर नहीं बदला है है इस बात को ना तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कंफ्यूज मत होइएगा तो इन सारी ऑथोरिटीज से अगर uh, इनके पास अगर अपील आपको दायर करनी है अपील uh, फाइल करनी है ठीक है प्रेफर करनी है तो 45 डेज के भीतर करनी होगी है ना विदिन फोर्टी फाइव डेज अगर कमिश्नर के सामने आपको अपील करनी है तो कितने 60 डेज

फोर्टी तो नाइन में दे रखी है अपीलेट ऑथोरिटी अगर अपीलेट ऑथोरिटी है सीधी सी बात है आपकी पावर क्या हो सकती है आप जो भी ऑर्डर आया है है ना प, अपील आपके पास किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील आई है आप उसको या तो ऑर्डर को उस अप, जो भी अपील आई है उसको डिसमिस कर दोगे कि भाई हम सुनेंगे नहीं है ना या फिर उस ऑर्डर को वेरी कर दोगे मॉडिफाई वेरी कर दोगे या फिर कंफर्म कर दोगे इस तरह की बातें आप आप करोगे वाइल एक्सरसाइजिंग और अपीलेट ऑथोरिटी ठीक है अब 49 में इधर पर सारी ये बातें लिखी गई है इस, इस क्या लिखा है पहला जो प्रोविजन है एमपी में बदला है है ठीक द अपीलेट ऑथोरिटी में इधर एडमिट द अपील और आफ्टर कॉलिंग फॉर द रिकॉर्ड एंड गिविंग द अपीलेंट अपॉर्चुनिटी बी हर्ड मे रिजेक्टेड या तो अप, अपील को रिजेक्ट कर सकता है अपीलेट ऑथोरिटी या फिर थर्ड सबसे थ्री देखिए इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है यहां से एक बार आफ्टर हियरिंग द पार्टीज द अपीलेट ऑथोरिटीज फोर्टी uh, 45, 45 जो प्रोविजन है वो ऑमिट हो गया है अभी 2022 अमेंडमेंट से वैसे भी इतना कोई रिलेवेंट था था नहीं वो नहीं वो इंपॉर्टेंट और अभी उसको हटा दिया गया है छत्तीसगढ़ में भी ठीक है 45 को हटा दिया गया है छत्तीसगढ़ में फोर्टी फोर्टी नाइन का सबसेक्शन थ्री देखिए आफ्टर हियरिंग दी द अपीलेट ऑथोरिटी में कंफर्म बैरी और रिवर्स दी ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट ठीक है ये सारी चीजें कर सकता है।, कौन? और में ये सारी है ठीक है तो ये सब पढ़ के जाइएगा अब मैंने वही बताया था इसमें ज्यादा कुछ समझाने बुझाने का नहीं रहता है सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पूरी कहानी क्या है ये चल कैसे रही है कहानी इससे कंफ्यूज ना हो याद रखने में आसानी रहती है अगर आपको कहानी बताओ दूसरा एक बड़े प्रोविजंस में क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट पता होना चाहिए यही है एमपीएलआरसी का फंडा पूरा कहानी गुड इवनिंग सुलेखा ठीक है तो रिवीजन देखते हैं रिवीज... अब अब देखिए ये सब बात रिवीजन रिवीजन क्या होता है रिव्यू मैंने अभी आपको बताया कि जिस ऑथोरिटी ने कोई जज ऑर्डर दिया है उसी के पास आप उस ऑर्डर को दोबारा से रिव्यू कराने के लिए आइए कि आपसे कुछ गलती हो गई है दोबारा देख लीजिए उस ऑर्डर को रिवीजन क्या होता है कि कोई भी ऑथोरिटी है अगर उसने अपना ज्यूरिस्टिक्शन ठीक से एक्सरसाइज नहीं किया है प्रॉपरली इरेगुलरिटी की है है ना किसी भी जूरिस्टिक्शन को एक्सरसाइज करने में अपने जूरिस्टिक्शन को एक्सरसाइज करने में या फिर गलत तरीके से जूरिस्टिक्सन एक्सरसाइज किया है तो वो सब में क्या होता है रिवीजन रिवीजन किया जाता है अगर ऐसी जूरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करके आप कोई ऑर्डर पास करते हो तो वो रिवीजन कहां दे रखा है सेक्शन 50 में आ, का इसलिए मेरा मतलब वही पर्पज था कि थोड़ा आप इसको बोर्ड अमेंडमेंट और बेयरक्ट आपको साथ में रखना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सी बातें हैं एल बहुत बड़ा एक्ट है ये है ना बोर्ड में मैं इसको कराने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय जाएगा आप लोगों का भी समय वेस्ट होगा इसमें इसलिए मेरा ये था कि आप बस देखते जाइए कि किसका क्या मतलब है और कहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है सेक्शन गुड इवनिंग वीर है ना सेक्शन 50 में रिवीजन। अब यहां पर ये यह देखिए कि इसके बाद अब आगे सेटलमेंट कमिश्नर की जो बात आएगी उसको हम क्या कहेंगे कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड और जहां पर सेटल सेटलमेंट ऑफिसर लिखा होगा उसको हम क्या मानेंगे डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर ये 2022 के अमेंडमेंट के बाद बदलाव हो चुका है है है। है। ना? हो चुका है। बिल्कुल, 2022 में बहुत change हुआ है। मिल नहीं रहा है न्यूली अमेंडमेंट वाला हाँ वही रीजन है वरना मैं इस पूरे डायरेक्ट को प्रॉपर दो, दो एक क्लास में प्रॉपरली बोर्ड पे बताता सबसे तो बड़ा उसका रीजन यही है कि वो अवेलेबल नहीं है हम्म डिफिकल्टी बिल्कुल है डिफिकल्टी है बिना बेरेक्ट के इसको समझना ठीक है तो ये समस्या तो है इसके साथ में इसका जो बेरेक्ट है मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अवेलेबल करवा दू करवा दूंगा टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का जो अमेंडमेंट हुआ है वो भी करवा दूंगा तो उससे आप एक बार मिला लेंगे तो आपका काम हो जाएगा यहां पर बहुत सी बातें जो बदल चुकी हैं उनको मैं यहाँ लिख लिया है मैंने है ना और कुछ बातें आपको बेरेक्ट उसमें अमेंडमेंट एक्ट में मिल जाएंगी सेक्शन 50 रिवीजन की बात करता है अब इसमें रिवीजन कुछ एक पर्टिकुलर ग्राउंड में नहीं होता तो सेक्शन 50 में जो 1 सब सबसेक्शन वन का जो क्लॉज वन है है ना प्रोवाइडेड दैट जो आप देखेंगे उसमें बताया गया है कि नो एप्लीकेशन फॉर रिवीजन सेल बी एंटरटेन कुछ बताए गए हैं कि रिवीजन कब जो रिवीजन की एप्लीकेशन होगी वो कब कोर्ट के जो भी ऑथोरिटी के पास जाओगे उसके द्वारा एक्सेप्ट नहीं की जाएगी एडमिट नहीं की जाएगी एंटरटेन नहीं की जाएगी उसके ग्राउंड ऑर्डर अपीलेबल अंडर दिस कोड अगर किसी ऑर्डर से अपील हो सकती है तो उसका उसके रेस्पेक्ट में आप रिविजन फाइल नहीं कर सकते अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट कमिश्नर सीधी सी बात है यहां पर सेटलमेंट कमिश्नर का मतलब क्या है कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड ठीक है क्शन टू हंड्रेड टेन अगेंस्ट एंड ऑर्डर पास दमिशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ केसेज अंडर सेक्शन बी इन केसेस में क्या नहीं होता रिविजनेशन आप फाइल नहीं कर सकते अगर यहाँ पर इस तरह से कोई ऑर्डर पास हुआ है तो ठीक है ये देखिए इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है इसका सेक्शन uh, फिफ्टी का सबसेक्शन uh, वन का जो क्लॉज टू है

तो आपको कितने दिन में फाइल करनी वो एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी रिवीजन की विद इन सिक्सटी डेज ठीक है और आप अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास रिवीजन की एप्लीकेशन लेके जाएंगे तो आपको कितने दिन में लेके जाना है नाइन्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर जिस भी ऑर्डर के अगेंस्ट आपको रिवीजन फाइल करना है तो आगर, अगर अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने लेके जाएंगे तो नाइन्टी डेज के भीतर वो एप्लीकेशन लेके जानी पड़ेगी बाकी ऑथोरिटीज के सामने विद इन सिक्सटी डेज ये नंबर पूछे जाते हैं ये डेज ठीक है अब आगे पढ़ते हैं इसमें 51 वन रिव्यू ऑफ ऑर्डर रिव्यू आप समझ चुके होंगे रिव्यू का क्या मतलब होता है अब इसमें रिव्यू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जहां से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये रिव्यू ऑफ ऑर्डर सेक्शन 51 नंबर पूछा जाता है ठीक है ये सब रिवीजन रिव्यू इन सबके नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां दिया है अपील रिव्यू रिवीजन इनके नंबर पूछे ही जाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं बोर्ड ऑन एंड एवरी रिवेन्यू ऑफिसर में मतलब होता है कि स्व प्रेरणा से खुद से बिना बिना किसी की एप्लीकेशन फाइल किए कोर्ट ने सो मोटो सो मोटो ले लिया किसी केस का है ना सो मोटो हियरिंग स्टार्ट कर दी खुद से ही तो इस तरह से सो मोटो uh, कोई भी रिवेन्यू ऑफिसर रिव्यू कर सकता है अपने uh, अपने दिए हुए ऑर्डर का ठीक है अपने द्वारा पास किए हुए किसी ऑर्डर का और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी इंटरेस्टेड

वो मेरे द्वारा हुए मैंने जो ऑर्डर पास किया गया था उसको भी क्या कर सकता है रिव्यू कर सकता है जो मेरी जगह जो ऑफिसर आएगा ठीक है तो यहां पर क्या लिखा है अगर किसी ऑफिसर ने किसी कुछ ने खुद, खुद ने ऑर्डर पास किया तो उसको रिव्यू कर सकता है किसी यानी कि जो पहले पोस्ट पे था उसका कोई ट्रांसफर वगैरह हो गया तो उसके ऑर्डर को भी रिव्यू किया जा सकता है उस ऑथॉरिटी के द्वारा ठीक है यह वाली बात है अब इसमें प्रोवाइडेड दैट जो प्रोविजो दिया है उसको देख लेते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है Uh, अभी पढ़ अगर ये अपने किसी प्रेडिस का है ना किसी और uh, किसी प्रेडिसू करना चाहते हैं तो इनको सेंक्शन लेना पड़ेगा किसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ठीक है ये याद रखिएगा और अगर कोई ऑफिसर है जो ऑफिसर सबोर्डिनेट टू कलेक्टर और और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर अगर कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर ऑफिसर के से कोई है है ना और वो किसी ऑर्डर को रिव्यू करना चाहता है चाहे वो ऑर्डर वो उसने खुद ने पास किया हो क्या या उसके प्रेडिसेशन ने यानी कि कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर की सबोर्डिनेट पोस्ट का कोई ऑफिसर है तो या तो कोई ऑर्डर उसने खुद ने पास किया है हिमसेल्फ और हिज प्रेड्यूसर या तो खुद ने या किसी प्रेड्यूसर ने दोनों मामलों में उसको उसकी सेंक्शन लेनी पड़ेगी उस ऑथोरिटी की सेंक्शन लेनी पड़ेगी जिसके वो इमीडिएटली सबॉर्डिनेट है है ना क्योंकि तो भाई ये तो उसको तो बहुत ज्यादा गरीब माना जा रहा है ये खुद के भी अगर ऑर्डर रिव्यू करना चाहता है तो उससे पहले जो भी जिस भी ऑथोरिटी के वो इमिडिएटली सबॉर्डिनेट है उसकी क्या लेनी पड़ेगी सेंक्शन लेनी पड़ेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है है ना यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बाद सबसेक्शन वन सेक्शन फिफ्टी वन का सबसेक्शन वन का क्लॉज थ्री देखिए उसमें क्या लिखा है अब भाई सीधी सी बात है अपील का एक पीरियड था कि इतने पीरियड में आपको अपील फाइल करनी है रिवीजन का एक पीरियड था उसी तरह से रिव्यू का भी एक पर्टिकुलर पीरियड है नो ऑर्डर अफेक्टिंग एनी क्वेश्चन ऑफ राइट बिटवीन प्राइवेट पर्सन सेल बी रिव्यूड एक्सेप्ट ऑन application of a party to the proceeding and no application for review of such order shall be entertained unless it is made within within 90 days to aapko review ki jo application wo kitne din mein file karni hai 90 days from the date of passing of the order theek hai और review के grounds क्या रहेंगे जो कि civil procedure code में दिए हैं वो सब पूछा नहीं जाएगा जो यहां पर दिया है वही पूछा जाता है इधर पर यस yes, इसके रेस्पेक्ट में नितेश सर एक प्रॉपर सेशन लेंगे है ना तो वहां आपको क्लैरिटी इसकी ज्यादा रहेगी मोस्ट प्रोबली टमोरो और डे आफ्टर टमोरो है ना एक प्रॉपर सेशन लिए जाएगा तो उसमें सर आपको बताएंगे और वो उसके हिसाब से आप uh, देख सकते हैं कि आगे क्या आपको क्या एक्सपेक्ट uh, किया जाए अपने जो स्कोर हैं उससे, है उससे ठीक है रिव्यू हाँ, के लिए अच्छा टाइम दिया डेज़ ये वाली बात हो मैंने कोई भी किया, तो भाई अगर मैं और मेरे ऊपर और भी कोई है ना? तो अगर मैंने कोई ऑर्डर पास किया तो सीधी सी बात है मुझसे ऊपर जो ऑथोरिटीज उनके पास जो भी पर्सन उस ऑर्डर से अग्रीव होगा वो क्या करेगा आ, फाइल करेगा अपना जो भी है रिव्यू रिवीजन जिसकी भी एप्लीकेशन वगैरह फाइल मतलब अपील फाइल करेगा या फिर रिवीजन फाइल करेगा अपील या रिवीजन है ना मुझसे ऊपर की जो अथॉरिटी उसके पास अपील या रिवीजन फाइल करेगा जो भी पर्सन मेरे ऑर्डर से क्या है अग्रीव्ड है अब सीधी सी बात है उसका रिवीजन और अपील फाइल करने का एक पीरियड रहेगा तो जब तक वो पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक मैं क्या कर दूंगा कि मैं अपना जो ऑर्डर मैंने पास किया है उस पे स्टे लगा दूंगा कि इस ऑर्डर का भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा क्योंकि सामने वाले पर्सन के पास अभी मुझसे ऊपर वाली अथॉरिटी के पास जाकर मेरे ऑर्डर को चैलेंज करने का भी टाइम है तो मैं उस समय के लिए क्या कर दूंगा उस जब तक वो पीरियड है ना अपील का रिवीजन का फाइल करने का वो एक्सपायर नहीं हो जाता मैं उस अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने से स्टे कर दूंगा ठीक है और जब वो पर्सन उस ऑथोरिटी के पास अपीलेट ऑथोरिटी के पास चला जाएगा तो वो अपीलेट ऑथोरिटी खुद से मेरे पा, मेरे द्वारा पास किए गए ऑर्डर को क्या कर देगा स्टे कर देगा तो उस स्टे का एक पीरियड दिया है कि वो स्टे कितने पीरियड के लिए होता है वो इंपॉर्टेंट है सेक्शन 52 का सब, ये देखिए सबसेक्शन टू देखिए और उसमें प्रोविजो देखिए मैंने ये बता दिया कि कैसे ऑपरेट करता है ये स्टे

यानी कि आपने मान के चलो कि थ्री मंथ्स के लिए क्या कर दिया उस ऑर्डर को स्टे कर दिया मैक्सिमम पीरियड एक बार में थ्री मंथ्स के लिए आप स्टे कर सकते हो और नेक्स्ट हियरिंग दो मंथ बाद है आफ्टर टू मंथ्स है, है ना तो अब सीधी सी बात है ऐसा तो आप वैसे करोगे नहीं आपने जो भी पीरियड अभी डिसाइड किया है कि आपने मान के चलो दो महीने के लिए आ, वो है स्टे किया है ऑर्डर और उसके बाद ढाई महीने के बाद क्या है टू एंड हाफ मंथ्स के बाद क्या है आपने और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है तो ये सब पावर किसके पास रहती है जो भी ऑथोरिटी है अपीलेट ऑथोरिटी सीधी बात है कि उस हिसाब से ही किसी ऑर्डर को स्टे करेगी कि नेक्स्ट हियरिंग तक वो स्टे बना रहे होता नहीं है कि आपने स्टे ले लिया नेक्स्ट ईयरिंग पर आप फिर जाते हो सर कि हमें थोड़ा और समय के लिए स्टे चाहिए इस ऑर्डर पर तो ये सब पावर रहती है अपीलेट ऑथोरिटी के पास में और स्टे करने की एक पावर किसके पास रहती है और उस ऑथॉरिटी उस के पास में जिसने ऑर्डर पास किया है है ना लेकिन एक टाइम में आप कितने समय के लिए ऑर्डर को स्टे को किसी ऑर्डर के एग्जीक्यूशन को स्टे कर सकते हैं थ्री मंथ्स के लिए ठीक है तो ये याद रखिएगा सेक्शन 52 इंपॉर्टेंट है उसके बाद है इंपॉर्टेंस यहां देखें तो सेक्शन 53 सेक्शन 53 क्या कहता है कि अगर लिमिटेशन एक्ट लिमिटेशन एक्ट को किसी प्रोविजन से एक्सक्लूड नहीं किया गया है है ना नहीं किसी पर्टिकुलर प्रोविजन में स्पेसिफिक पीरियड नहीं दिया गया है लिमिटेशन पीरियड किसी भी अपील रिविजन का किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का तो लिमिटेशन एक्ट वहां पर अप्लाई होगा ये सेक्शन 53 कहता है उसी के जैसा एक प्रोविजन और था इसमें इंपॉर्टेंट वो क्या था सेक्शन 43 सेक्शन ये समझ आ गया आपको सेक्शन 50 थ्री समझ आ गया कि जहां पर लिमिटेशन एक्ट के एप्लीकेशन को बाड नहीं किया है एक्सक्लूड नहीं किया है वहां पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा सर स्टे के लिए अपोजिट पार्टी जाएगी हमारे एग्जीक्यूशन पे हां स्टे के लिए तो स्टे के एग्जीक्यूशन के लिए तो वही पार्टी फाइल करेगी ना जिसके खिलाफ है जिसके खिलाफ कोई ऑर्डर जिसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हुआ है है ना वही तो पार्टी जाएगी कि भाई उस एग्जीक्यूशन है उसे स्टे जो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन है उसको स्टे कर दिया जाए उसके बाद सेक्शन 43 बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या बात करता है सेक्शन 43 वो बात करता है कि जो भी सिविल प्रोसीजर होगा अगर यहां पर कोई एक पर्टिकुलर प्रोसीजर अवेलेबल है प्रोवाइडेड है तो तो ठीक है अगर नहीं प्रोवाइडेड है और सिविल प्रोसीजर को एक्सक्लूड नहीं किया गया है तो सिविल प्रोसीजर कोड के जो प्रोविजन है वो अप्लाई होंगे प्रोसीजर अप्लाई होगा ठीक है अब ये पढ़ लिया हमने सेक्शन 53 हो गया इसके बाद देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है अब आते हैं बात लैंड एंड लैंड रेवेन्यू पे अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्या जो हम बात हम पहले नहीं समझ रहे थे कि स्टेट इज द ओनरशिप ऑफ द होल लैंड इन द स्टेट बिलोंग्स टू द स्टेट गवर्नमेंट वो सारी बातें आप यहां पर देखेंगे किस लैंड पर किस मैंने बताया था कि लैंड पर रेवेन्यू की जो रेट्स रहेंगी रही है यूटिलाइज की जा रही है, जा रही है, है? 57 6, land land है? ये प्रोविजन नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनता है ऑल लैंड बिलोंगिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट इज हियर वायर डिक्लेयर दैट ऑल सच लैंड इंक्लूडिंग स्टैंडिंग एंड फ्लोइंग वाटर वाटर

अगर कोई भी एक प्राइवेट पर्सन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो सच डिस्प्यूट सेल बी कलेक्टर।, कलेक्टर।, तो कलेक्टर की ये पावर है, ये बहुत है उसके बाद को जैसा काम करनी है इसके बाद सेक्शन सेक्शन 58 सेक्शन हेडिंग देख लीजिएगा लाइबिलिटी ऑफ लैंड टू पे पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 58 की बस ठीक है आगे देखते हैं इसमें आगे देखते हैं इसमें सेक्शन फिफ्टी एट ए सेक्शन 58 में यह देखा हमने लाइबिलिटी ऑफ लैंड टू पेमेंट ऑफ एक तो हेडिंग याद रखिएगा एक सेक्शन 58 एट सबसेक्शन 2 देखिए सेक्शन 58 एट सबसेक्शन 2 इसमें क्या बताया गया है कि लैंड रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू में क्या क्या आता है मैंने आपको बताया था कि जो भी ऑल मनी पेबल टू स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट को जो भी पैसा जाता है लैंड के रेस्पेक्ट में चाहे वो प्रीमियम के फॉर्म में जाए रेंट के फॉर्म में जाए लीज मनी के फॉर्म में जाए वो सारा का सारा जो पैसा होता है अमाउंट होता है उसको क्या कहते हैं लैंड रेवेन्यू ठीक है तो एक बात ये हो गई इसके बाद सेक्शन 58 एट का सबसेक्शन 2 हमने देख लिया सेक्शन 58 ए देखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 58 ए देखिए वो इंपॉर्टेंट है उसमें क्या बताता है सर्टेन लैंड टू बी एक्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू अब लैंड रेवेन्यू पे करने से कुछ लैंड को क्या कर सकती है गवर्नमेंट एक्जेम कर सकती है कि भाई आपको छूट दी जाती है इस लैंड के रेस्पेक्ट में आपको लैंड रेवेन्यू पे नहीं करना ऐसा स्टेट बोल सकती है क्योंकि सारी लैंड की मालिक कौन है स्टेट है सेक्शन 58 ए देखिए नोटिंग एनीथिंग ऑफ एन अनिक होल्डिंग मतलब कुल मिलाकर होल्डिंग का मतलब होता है आप, आप यूटिलाइज करते हैं उस लैंड को फॉर एग्जांपल आप उस पर क्रॉप कल्टीवेट करते हैं हार्वेस्ट करते हैं ठीक है तो उस, उसको क्रॉप को कल्टीवेशन और हार्वेस्ट करने से आपको क्या हो रहा है सिर्फ आपका आपके परिवार का भरण पोषण हो रहा है मेंटेनेंस हो रहा है ठीक है आप उसको कहीं बेच के बहुत ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो है है? है, लिए 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 इस्तेमाल हो रही है और उसका एक प्रॉपर लिमिटेशन दे दिए कि भाई इतनी लैंड होगी तो उसको माने की अनकोनॉमिक लैंड इससे बहुत ज्यादा कोई पर्सन प्रॉफिट नहीं कमा सकता है ना तो ये एक्सप्लेनेशन वन में दे है क्लॉज ए देखेंगे अपन कि अन एकनॉमिक होल्डिंग क्या होती है सेलमीना होल्डिंग द एक्सटेंट ऑफ दिस इज नॉट मोर देन फाइव एकर्स फाइव एकर्स तक की जो लैंड होती है जिसको हम एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं अन इकोनॉमिक होल्डिंग ठीक है और इसके रेस्पेक्ट में आपको क्या नहीं देना होगा लैंड रेवेन्यू नहीं देना होगा सेक्शन 58 ए के हिसाब से गवर्नमेंट आपको क्या करती है एग्जेप्ट करती है उसके बाद बी पॉइंट देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया था कि होल्डिंग का क्या मतलब होता है जो भी स्टेट में जो भी कोई भी पर्सन पूरे स्टेट में जो लैंड ओन कर आ, होल्ड करता है उसको क्या कहते हैं होल्डिंग कहते हैं ठीक है पूरे स्टेट में जितनी भी लैंड एक पर्सन होल्ड कर रहा है उस, उसको क्या कहते हैं होल्डिंग कहते हैं उसके बाद लैंड रेवेन्यू मैंने आपको बता ही दिया तो ये सब बातें दिए इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स से पता होनी चाहिए कि भाई इनका मतलब क्या है, है ना सेक्शन फिफ्टी एट ए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद रखिएगा इसके बाद आता है सेक्शन फिफ्टी क्शन सेक्शन 59 क्या बात करता है कि लैंड रेवेन्यू इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जो भी लैंड है उसको आप कि, आ, किस के लिए यूज कर रहे हो कमर्शियल के के लिए लिए एग्रीकल्चर स्कूल के लिए हॉस्पिटल के, के लिए वो सब बात पर डिपेंड करता है आपका क्या लैंड रेवेन्यू सेक्शन फिफ्टी में यह बात दे रखी है सेक्शन फिफ्टी के बाद सेक्शन सिक्सटी बहुत इंपॉर्टेंट है असेसमेंट बाय होम टू बी फिक्सड

अब चैप्टर सेवन में क्या बात होगी पहली बात तो चैप्टर सेवन की जो हेडिंग है ना वो अब बदल दी गई है इसमें हेडिंग जो 2022 के अमेंडमेंट से पहले हुआ करती थी वो थी रेवेन्यू सर्वे एंड सेटलमेंट इन नॉन नॉन अर्बन एरियाज अब उसको क्या हेडिंग को क्या कर दिया गया चैप्टर सेवन की लैंड सर्वे एंड लैंड रेवेन्यू असेसमेंट लैंड सर्वे एंड लैंड रेवेन्यू असेसमेंट नाम दिया गया है इस हेडिंग को सेक्शन 62 देखिए इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट ऑफ इसको ये देखिए सेक्शन 62 है ना जो उसको क्या कर दिया गया पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट किया गया है प्रतिस्थापित किया गया है वो सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोविजन है मैं उसको आपके सामने पढ़ रहा हूं सेक्शन 62 2022 अमेंडमेंट के बाद ये पूरा प्रोविजन बदल गया है सेक्शन 62 सेक्शन 62 क्या बात करता है जो amended है बदल गया है वो अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड जो पहले सेटलमेंट कमिश्नर होता था उसको हम क्या कहते हैं अब कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड सीधी सी बात है मैंने आपको बताया था कि जो लैंड सर्वे होगा उसमें बेसिकली फोर ऑथोरिटीज आप पढ़ेंगे एक ऑथोरिटी आप पढ़ेंगे कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड उसके बाद तीन ऑथरिटीज कौन कौन सी होंगी डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर डिप्यूटी सर्वे ऑफिसर एंड असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर ठीक है ये सारी ऑथोरिटीज आप कहां पढ़ेंगे जहां लैंड सर्वे की बात होगी वहां ये सारी ऑथोरिटीज आएंगी ठीक है सेक्शन 62 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड उसका काम क्या होगा कि जो भी लैंड सर्वे होगा उसको क्या करेगा कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड मैनेज करेगा लैंड सर्वे की बात आएगी तो सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी होगी कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड इधर पे ठीक है कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड ये पढ़ लिए हमने इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन 63 सेक्शन 63 कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन 64 इंपॉर्टेंट है और इसको पूरी तरह से बदल दिया गया है अब सेक्शन 64 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने ऐसा बताया कि आपको ऑथोरिटीज के यहां पर बदल गई हैं नाम बदल गए हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर एंड असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर जहां लैंड सर्वे की बात आ वहां ये ऑथॉरिटीज काम करती है फंक्शन करती है इसका क्लॉज ए देखिए सेक्शन 64 का क्लॉज वन जो दिया uh, 1 है उसका क्लॉज ए देखिए द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सेल बी द डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर कलेक्टर को ही डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर बना दिया गया है मतलब जैसे कि जैसे कि हमारा एग्जाम होता है तो हम कौन बनते हैं सिविल जज की पोस्ट पर पो बनते हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन यानी कि सिविल जज सेकेंड क्लास और अगर हमको क्रिमिनल मैटर दिए जाए तो हम क्या बन जाएंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास तो एक ही व्यक्ति है वो सिविल के मैटर देखेगा सिविल जज रहेगा क्रिमिनल के मैटर देखेगा तो मजिस्ट्रेट बन जाएगा तो ये कहानी वार्ड में क्लास होगी देखिए क्लास देखिए कोशिश मेरी यही है कोशिश तो क्या ये क्लास मुझे आज ही समाप्त करनी है एक ही स्ट्रेच में है ना क्योंकि आप लोगों के लिए उतना वक्त नहीं है 26 तारीख को पेपर है ट्वेंटी फरवरी को तो एक ही स्ट्रेच में मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास को एंड करूं ठीक है सेक्शन 64 Uh, पहला क्लॉज देखा कि कलेक्टर को ही क्या बनाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर उसके बाद एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर सी सी क्लॉज देखिए जो सब डिविजनल ऑफिसर होगा ना सब डिविजन का उसको क्या बनाया जाएगा डिप्टी सर्वे ऑफिसर उसके बाद देखिए कि जो डी पॉइंट तहसीलदार एडिशनल तहसीलदार और नायब तहसीलदार इनको क्या बनाया जाएगा असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर ऑथोरिटीज वही थी जो सेक्शन इलेवन में दी है उनको नाम उन्हीं ऑथॉरिटीज को नाम बदलकर उनके डिफरेंट फंक्शन कर, कर दिए यहां पर ठीक है और जो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर्स होंगे सबसेक्शन टू में देखिए दे बी सबॉर्डिनेट टू अब यहां पर ऑथोरिटी कौन है सबसे बड़ी कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड उसके नीचे वाली ऑथोरिटी कौन है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर तो उसकी सबॉर्डिनेट कौन होगा कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड के डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर है ना बाकी सब भी कमिश्नर के सबॉर्डिनेट uh, ही रहेंगे लेकिन इमीडिएट सबॉर्डिनेट कौन है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड का उसके बाद देखिए जो सबसेक्शन थ्री है इसमें वो क्या बताता है कि ऑल दी डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर एंड असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट सेल बी डिस्ट्रिक्टलनेट टू डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर ठीक है तो जो डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर है असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर है वो किसके सबॉर्डिनेट रहेंगे इमीडिएटली सबॉर्डिनेट किसके रहेंगे डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के इतनी सी कहानी है बहुत सिंपल है देखिए लैंड लैंड रेवेन्यू इतना बोरिंग सब्जेक्ट और वो आपको बोरिंग लगेगा भी बहुत एक एक बहुत ही सामान्य बात है वो 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 लग वो बोरिंग है वो, सब्जेक्ट वो लगने लायक भी बिल्कुल तो कोई ऐसी बात नहीं है समस्या वाली आप लोगों को अगर ये बोरिंग लगे सब्जेक्ट देखो अपने को से से टू मार्क्स दे, देखने हैं बस वही देख लेंगे बस हो गया उससे ज्यादा कुछ अभी लेना देना नहीं है नहीं इससे अपन को देखने जितने क्वेश्चन आने क्योंकि छत्तीसगढ़ में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है ज्यादा गलती नहीं कर सकते आप नजर हटी दुर्घटना घटी है ना यूपी में क्या था तब भी मार्जिन ऑफ एरर ज्यादा था कि बहुत सवाल थे इधर पर सौ क्वेश्चन आते हैं हंड्रेड क्वेश्चन आते हैं नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो के भी लग जाते हैं कभी कभार है ना उनके भरोसे मत बैठे पर लगे जाते हैं तो कट ऑफ जाता है हाई तो यहाँ पर मार्जिन बहुत कम रहता है एरर का इसलिए ध्यान से पढ़िए लॉ को बोरिंग लगे लगते रहे अपन को चाहिए फाइव टू सिक्स मार्क्स यहाँ से थैंक राज लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि मैं इस बात को जस्टिफाई करने के लिए अभी मेरी उतनी कॉम्पिटेंस कॉम मेरी इतनी कॉम्पिटेंसी है इस बात आपने जो बात की है जो उसको जस्टिफाई करने के लिए पर हाँ मैं कोशिश कोशिश जरूर करूंगा भविष्य में एक बेहतर टीचर बनने की इसके बाद सेक्शन देखा हमने 64, 64 देख 64 देख है 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 के बाद आता 65, ये भी हो गया गया पूरी तरह से बदल गया है, जो नया प्रोविजन पढ़ रहा हूं मैं पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर ठीक है तो यार देखिए सीधी सी बात है द पावर ऑफ कलेक्टर अब जो कलेक्टर की पावर थी कलेक्टर को जो डिस्ट्रिक्ट सर्वे बनाया गया है वो जो कलेक्टर की पावर थी वो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर की होगी बाकी जो uh, सब सब है, तो भाई जिसको जो बनाया गया, उसकी वही पावर रहेगी कुछ खास बात इसमें है नहीं इधर में, है ना? तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा यही है कि जिस जिस भी पर्सन को जो बनाया गया है इसमें जैसे कलेक्टर को बनाया गया है क्या डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर और uh, इसी तरह से डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर बनाया तो उनके हिसाब से उनकी वही पावर रहती है और बाकी देखिए स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर रहती है कि वो किसी भी पावर किस, किसी भी एक अथॉरिटी की पावर दूसरी ऑथोरिटी को दे सकता है तो ज्यादा कुछ इसमें जानने की जरूरत है नहीं इतना यहां से क्वेश्चन बनता नहीं है बस एक नॉर्मल सी बात है ठीक है थैंक यू निधि देखिए छत्तीसगढ़ एलआरसी की क्लास आज मुझे चाहे एक बजे तक क्लास लेनी पड़े लेकिन छत्तीसगढ़ एलआरसी तो मैं आज ही खत्म करके जाऊंगा क्योंकि तो बहुत क्लासेस होती हैं आप लोगों का भी उसमें समय जाया होता है जिससे एक स्ट्रेच में आप देखिए और खत्म करिए एलआरसी को और भी एक्ट करने अपने को ठीक है अब यहां पर देखिए रेवेन्यू सर्वे इसका जो से, चैप्टर सेवन है जो उसके दो पार्ट हैं एक पार्ट तो हमने अभी सेक्शन सिक्सटी फाइव तक पढ़ा जो दूसरा पार्ट है इसका से, चैप्टर सेवन का वो बात करता है रेवेन्यू सर्वे की अब लैंड सर्वे कर दिया है ठीक है रेवेन्यू सर्वे को क्या कर दिया है? 2022 अमेंडमेंट के बाद बिल्कुल सुलेखा यही स्प्रिट होनी चाहिए यार एग्जाम पास है अपन तो कन्वीनियंस की तो बात ही नहीं है एग्जाम पास है तो अभी तो अपन कन्वीनियंस देख ही नहीं सकते ना रेवेन्यू सर्वे को नाम दे दिया गया है लैंड सर्वे तो जहां भी अब रेवेन्यू सर्वे वर्ड यूज होगा तो उसको आप क्या मान के चलिएगा लैंड सर्वे ठीक है अब देखिए सेक्शन 66 इस ये क्या बात करता है डेफिनेशन ऑफ लैंड सर्वे सीधी सी बात है आप लैंड का सर्वे कर रहे हो तो उसको क्या है आप अपने प्रॉपर सहूलियत के लिए प्रॉपर डिवीजन रहे प्रॉपरली आप उसको सर्वे कर पाओ इसलिए आपने उसको फर्दर उसका डिवीजन कर दिया है अर्बन एरिया है नॉन अर्बन एरिया है फिर उसमें विलेजेस आपने बना दिए हैं अब विलेजेस में भी कई पार्ट्स होते हैं ठीक है अर्बन एरिया हो गया नॉन अर्बन एरिया हो गया फिर नॉन अर्बन एरिया के अंदर क्या आते हैं विलेजेस आते हैं गांव आते हैं विलेजेस को फिर आपने सर्वे नंबर में

रास्ते रोड बनाने के लिए ग्राउंड बनाने के लिए क्रीमेशन ग्राउंड बनाने के लिए बाकी यहां पर लोग रहेंगे है ना यहां पर क्या होगा एग्रीकल्चर लैंड होगी, इस तरह से प्रॉपर क्या होता है डिवीजन होता है बिल्कुल हैडिंग पूछ सकता है इधर पे बाकी कुछ ऐसी खास बात नहीं है जिससे यहाँ पूछा जाए सेक्शन सिक्सटी सिक्स की क्या पूछ सकता है, है आगे देखते हैं सिक्सटी सेवन सिक्सटी सेवन जो है वहां पर देखिए नोटिफिकेशन ऑफ प्रपोज लैंड सर्वे तो लैंड सर्वे का नोटिफिकेशन एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा कि भाई नोटिफिकेशन आएगा कि एक एक पर्टिकुलर एरिया है मान के चलो कि एक नोटिफिकेशन आएगा कि भाई ये एक पर्टिकुलर इतना एरिया है इस एरिया के रेस्पेक्ट में क्या होना है लैंड सर्वे होना है और उस नोटिफिकेशन की एक टाइम पीरियड रहेगा है ना उतने टाइम तक यहां पर प्रॉपरली लैंड सर्वे होता रहेगा इस तरीके से कहानी होती है दर पे तो वो जो नोटिफिकेशन पब्लिक कौन पब्लिश कौन करवाएगा कौन इसका कमेंसमेंट कैसे होगा वो दिया है सेक्शन 67 में नोटिफिकेशन ऑफ प्रपोज लैंड सर्वे द डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर में कमेंस लैंड सर्वे इन द होल और एनी एरिया ऑफिस चार्ज बाई पब्लिशिंग नोटिफिकेशन टू दैट इफेक्ट इन दी ऑफिशियल गैजेट कौन इसको करेगा ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर बस ठीक है इतना याद रखिएगा यहां से यही पूछा जाएगा और आगे और इसमें एक बात है वो अभी करेंगे डिस्कस इंपॉर्टेंट बात है लैंड सर्विस रिलेटेड वही बताऊंगा आपको इतनी कहानी याद रखिएगा 67 में अंदर सा यहां से प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन ना आके क्या क्वेश्चन आ सकता है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर का क्वेश्चन आ सकता है ठीक है इसके बाद आते हैं फर्दर मूविंग फर्दर 67 हो गया 68 है नहीं इधर पे 970 70 इंपॉर्टेंट है 70 इंपॉर्टेंट है जो बात क्या करता है uh, 70 को सबसे पहले तो बता दूं कि 2020 टू अमेंडमेंट से बदल दिया गया है तो अब जो बदला हुआ प्रोविजन है वो देख लीजिए सेक्शन 70 पावर टू री नंबर और सब डिवाइड अमेलिगमेट सर्वे नंबर्स मैंने बताया था कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके रेस्पेक्ट में क्या बनाए जाते हैं सर्वे नंबर्स बनाए जाते हैं ना जिससे प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन रहे कि लैंड रेवेन्यू आपको कैसे कहा क्या कलेक्ट करना है वो सब बातों के लिए

एक लैंड सर्वे की नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होती है थर्टी ईयर्स उसके बाद आप करोगे दोबारा लैंड सर्वे है ना या फिर जो भी उससे प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए गए थे वो कहीं खो गए हैं बर्बाद हो गए हैं इस तरह के डिस्ट्रॉय हो गए हैं उसके बाद रिक्वायरमेंट देखी जाएगी भाई लैंड सर्वे दोबारा करने की रिक्वायरमेंट है क्या है ना लैंड सर्वे यानी कि जिससे प्रॉपर असेसमेंट हो लैंड रेवेन्यू का कि कितना लैंड रेवेन्यू यहां से अपने को रिकवर करना है ठीक है ना ये सब कहानी है इसके बाद आता है 67 के बाद जो प्रोविजन है वो है 70 70 प्रोविजन देखते हैं क्या कहता है पावर टू री नंबर ऑफ सब डिवाइड सर्वे नंबर मैंने बता दी सर्वे नंबर का क्या इस्तेमाल होता है और ये डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर सर्वे नंबर को दोबारा नंबर सर्वे नंबर जो पहले डिटरमाइन हुए थे उनको चेंज कर सकता है मिला सकता है दो सर्वे नंबर को डिवाइड कर सकता है एक सर्वे नंबर को दो पार्ट में तो ये सब कहानी होती है इतना याद कर रखिएगा पावर टू री नंबर सब डिवाइड और सर्वे नंबर ये किसकी पावर है डिस्ट्रिक्ट सर्वे जहां सर्वे आ गया तो वहां किसकी पावर आ जाएगी सर्व, सर्वे डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर की ठीक है याद रखिएगा सेक्शन सेवन का नंबर और ऑथोरिटी इसके बाद बस ये इसके बाद सेवन के बाद जो बात आती है वो आती है सेवनटी की सेवेंटी के बाद क्या पढ़ना है अपने को ऑफ ऑफ आबादी आबादी विलेज हमने कहाँ पढ़ी थी आबादी कहाँ पढ़ी थी abadi हमने सेक्शन टू ए में पढ़ी थी अब वो आबादी डिटरमाइन कौन करता है कि भाई विलेज में इतना एरिया आबादी के लिए रहेगा इतना एरिया उसके लिए है एग्रीकल्चर लैंड के लिए सब डिटरमिनेशन हुआ था मतलब अब ऐसा आपको देखने में नहीं आता होगा क्योंकि लैंड सर्वे बहुत बड़ा प्रोसेस है तीस एक साल में एक बार होता है है ना तो वो वाली कहानी है इसमें थर्टी ईयर में होता है भाई बहुत लंबा पीरियड होता है ऑफ ऑफ आबादी विलेज द सेटलमेंट सेटलमेंट अब यहाँ पर ऑफिसर मतलब कौन है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर जो भी इनहेबिटेड विलेज है उस पर देखेगा कि भाई उसके लिए एरिया कि कितना एरिया इस पर्टिकुलर एक एक प्लेस है एक मान के चलो पर्टिकुलर प्लेस है उसमें ये देखेगा एक पर्टिकुलर प्लेस है है ना मतलब विलेज में एक प्लेस है उसमें क्या देखेगा कि भाई एक विलेज है ये विलेज इसमें क्या देखेगा डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर कि इतना एरिया मान के चलो काय के लिए हो जाएगा आबादी के लिए और बाकी ये एग्रीकल्चर के लिए हो जाएगा कुछ एरिया और बाकी अनऑक्युपाइड लैंड डिफरेंट पर्पजेस के लिए हो जाएगी किसके लिए ग्राउंड वगैरह बनाने के लिए है ना रोड बनाने के लिए वो सब। तो इस तरह से डिवीजन होता है तो आबादी का डिटर्मिनेशन कौन करता है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर ये सवाल पूछा जाता है, है ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है सेक्शन सेक्शन 72 जो मैंने बताया वही इंपॉर्टेंट है उसमें नंबर याद रखिएगा और authority याद रखिएगा उसके बाद सेक्शन 73 देखिए पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर टू डिवाइड और यूनाइट विलेजेस और एक्सक्लूड एरिया देयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर की पास पावर रहती है कि दो विलेजेस को दो विलेज है उनको यूनाइट कर सकता है एक विलेज को दो विलेज में डिवाइड कर सकता है ये सारी पावर किसकी रहती है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर की है ना तो याद रखिएगा ये नंबर याद रखिएगा ये पावर याद रखिएगा ऑथोरिटी याद रखिएगा आबादी आबादी का रहता है प्लॉट नंबर है ना सर्वे नंबर जाता है एग्रीकल्चरल के लिए होता है सर्वे नंबर नॉन एग्रीकल्चर एरिया होता है प्लॉट नंबर में डिवाइड होता है प्लॉट ठीक है इसके बाद देखिए बिल्कुल आर्टिकल थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हो गए 73 थ्री के बाद आते हैं हम चैप्टर सेवन का जो थर्ड पार्ट है चैप्टर के दो पार्ट अब तक डिस्कस किए थर्ड पार्ट है क्या सेटलमेंट ऑफ रेंट इसका नाम अभी बदल गया इसको हम क्या कहेंगे लैंड रेवेन्यू असेसमेंट लैंड रेवेन्यू असेसमेंट अब इसमें सेक्शन सेवनटी फाइव देखिए सेक्शन सेवनटी फाइव किसकी बात करता है डेफिनेशन ऑफ सेटलमेंट अब ये देखिए कि ऊपर इन्होंने चेंज कर दिया सेटलमेंट को आगे आने वाले प्रोविजंस में चेंज कर दिया है है ना? अब यहां पर सेटलमेंट को सेटलमेंट ही कहा गया है चेंज नहीं किया गया, है, तो अब ये ही है, ड्राफ्टिंग का खेल है है, है का खेल ना? लेकिन यहाँ पर ट्वेंटी सेटलमेंट ही लिखा गया है ये याद रखिएगा बस इसमें नंबर याद रखिएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन सेवेंटी फाइव का एमपीसीजे की वैकेंसी बता तो रहे हैं कि मार्च या अप्रैल तक आ जानी चाहिए बाकी ये सिविल सिविल जज की वैकेंसी इसका कोई डेटर मतलब एक निर्धारित पीरियड नहीं रहता यूपी यूपीएससी टाइप तो कभी भी मन करे निकाल देते हैं वैकेंसी पर हाँ बता रहे हैं कि विथ इन विथ इन टू मंथ्स आ जानी चाहिए ठीक है सेटलमेंट ऑफ रेंट जिसको कहते हैं लैंड रेवेन्यू असेसमेंट है ना इसका सेक्शन सेवेंटी फाइव याद रखिए डेफिनेशन ऑफ सेटलमेंट <coughs> okay, सेवेंटी सिक्स सेक्शन सेवेंटी सिक्स ओमिट हो गया है सेक्शन

और पार्ट्स पर रेट फिक्स्ड स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रेट बताएगी और उस रेट को फिक्स कौन करेगा डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर करेगा ठीक है सेवनटी सेवन याद रखिएगा ऑथोरिटी डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर जहां जहां असेसमेंट की सर्वे की बात आएगी वहां मोस्टली कौन आएगा डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर ही आएगा पिक्चर में इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रोविजन सेवेंटी 79, नाइन इतना हटा 79 दिया, दिया है अभी 80 इंपॉर्टेंट है ऑल टू असेसमेंट अब देखिए जितनी भी लैंड है जिसके रेस्पेक्ट में नोटिफिकेशन आया है है ना कि लैंड सर्वे होना है भले ही वो लैंड है वो गवर्नमेंट ने एक्जेम कर रखा उस लैंड को कि भाई इस लैंड के रेस्पेक्ट में लैंड रेवेन्यू पे नहीं करना फिर भी असेसमेंट तो किया ही जाएगा है ना भले ही किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी लैंड किसी पर्टिकुलर एरिया के रेस्पेक्ट में लैंड सर्वे हो रहा है उस एरिया के में कोई लैंड है जिसको गवर्नमेंट ने एक्जेंट कर रखा है कि इस लैंड के रेस्पेक्ट में लैंड रिवेन्यू पे नहीं करना फिर भी उस लैंड का असेसमेंट तो किया ही जाएगा है ना कि इस इसपे कितना लैंड रिवेन्यू दिया जाना है अगर दिया जाता तो पर भले ही वो एग्जेमटेड है लेकिन उस पर भी असेसमेंट तो किया ही जाएगा आ, ये तो YouTube पर है सेव तो रहेगी आप कभी भी दे सकते हैं इसको द डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर हैव द पावर टू मेक फेयर असेसमेंट ऑन लैंड ऑन ऑल लैंड टू विच द सेटलमेंट एक्सटेंड वेदर सच लैंड आर लाइबल टू देमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन नॉट यही लिखा है कि भले उन लैंड से लैंड रेवेन्यू पेबल हो या ना हो लेकिन उनका प्रॉपर असेसमेंट तो किया ही जाएगा सेक्शन 80 इंपॉर्टेंट है ऑल इसके बाद देखते हैं 85, 85 बहुत इंपॉर्टेंट है 85 फाइव प्रोविजन सब्सिट्यूट हो गया है चेंज हो गया है अमेंडमेंट के बाद तो जो चेंज हो गया है जो नया प्रोविजन उसको देखते हैं टर्म ऑफ असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू है ना तो देखिए सेक्शन 85 है जो टर्म ऑफ असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू की बात करता है अब इसमें क्या दिया है कि मैंने बताया था कि एक बार लैंड रेवेन्यू कर लिया जाता है तो नॉर्मल नॉर्मली वो कितने टाइम तक रहता है थर्टी इयर्स तक वैलिड रहता है यही दिया है टर्म ऑफ असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या दिया है सेक्शन 85 का एट्टी फाइव पढ़ रहा हूं द टर्म ऑफ असेसमेंट मेड बाई दिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर सेल ऑर्डिनरली बी थर्टी ईयर्स ऑर्डिनरली कितने ईयर लिए रहता है वो लैंड सर्वे वैलिड जो भी लैंड सर्वे हुआ है थर्टी ईयर्स तक है ना मतलब वही जो असेसमेंट हुआ है लैंड रेवेन्यू का सेकंड देखिए इसमें सेकंड सबसेक्शन टू इन स्पेशल सर्कमस्टेंस स्पेसिफाइंग द रीजन द स्टेट गवर्नमेंट गिव डायरेक्शन टू द डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर टू चेंज दी असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू फॉर द होल एरिया फॉर अर्टुल 30 इयर्स 30 इयर्स का पीरियड पूरा होने से पहले भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बोल सकती है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर को दोबारा से लैंड सर्वे करो और दोबारा से असेसमेंट करो लेकिन नॉट बी गिव but such instruction can not be given before 15 years of assessment of land revenue. मतलब एक बार लैंड हो गया उसके बाद कम से कम पंद्रह साल फिफ्टीन ईयर्स गुजर जाने के बाद आफ्टर आफ्टर द द एक्सपायरी एक्सपायरी ऑफ ऑफ कम कम से कम 15 को गुजर जाने के बाद ही स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल सकती है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर को कि तुम दोबारा से लैंड सर्वे करो दोबारा असेसमेंट करो लेकिन एक बार लैंड सर्वे हो गया तो कम से कम पंद्रह फिफ्टीन ईयर्स तक तो वो रहेगा उसके बाद ऑर्डिनरी थर्टी ईयर्स तक होता है

असेसमेंट एंड एक्सपायर होने के बाद जो सब डिविजनल ऑफिसर होगा ना उसके बाद जो एसडीओ होगा सब डिविजनल ऑफिसर होगा उसके बाद जो रहेगा कि वो लैंड रेवेन्यू को दोबारा रिवाइज कर सकता है कब तक कर सकता है एसडीओ इस पावर को एक्सरसाइज तब तक नया लैंड रेवेन्यू की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो जाती है ना टर्म तो टर्म एक्सपायर हो गया पुराने वाले लैंड लैंड सर्वे का तो अब जब तक नया लैंड सर्वे का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक पावर रिवाइज करने की किसको रहेगी लैंड रेवेन्यू की सब डिविजनल ऑफिसर को ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है का, क्या पढ़ रहे हम सेक्शन 85 फाइव सेक्शन थ्री ये हो गया हमारा अब चैप्टर सेवन है उसका चैप्टर uh, सेवन का थर्ड पार्ट uh, हम पढ़ रहे हैं इसमें प्रोविजन नंबर जो 86 है उसको ओमिट कर दिया है हटा दिया गया है इट हैज बीन ओमिटेड बाई दी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अमेंडमेंट अब इसका जो फोर्थ पार्ट है से, चैप्टर सेवन का उसको हम डिस्कस करते हैं ठीक है एक छोटा सा दो मिनट का ब्रेक लेते हैं दोबारा आते हैं इसके बाद कंटिन्यू करते हैं एक दो मिनट के ब्रेक के बाद ठीक है जो फोर्थ पार्ट है चैप्टर सेवन का उससे ठीक है।, है दो मिनट के बाद मिलते हैं तुरंत पार्ट फोर चैप्टर सेवन का एट्टी एट्टी सेवन जो प्रोविजन है इसमें इसको क्या कर दिया गया हटा दिया गया है अभी ओमिट कर दिया गया है इसमें जो प्रोविजन है जो इंपॉर्टेंट है वो एट्टी नाइन एट्टी नाइन प्रोविजन देखिए सेक्शन एट्टी नाइन पावर ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर टू करेक्ट एरर्स द सब डिविजनल ऑफिसर में क्लोजर ऑफ लैंड सर्वे अब जो लैंड सर्वे हो गया है उसमें कोई भी अगर कोई भी एरर हो गई माना क्लरिकल कोई भी मिस्टेक हो गई है उसको उस एरर को ठीक करेगा कौन किसको पावर दी गई है रेक्टिफाई करने की एसडीओ को सब डिविजनल ऑफिसर को यह क्वेश्चन बनता है सेक्शन एट्टी नाइन का बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है कोई भी अर्थमेटिकल मिसकैलकुलेशन हो गई कुछ भी हो गया उसको ठीक कौन करेगा सब डिविजनल ऑफिसर सेक्शन 89 में बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखिए सीधी सी बात है जो रेवेन्यू सर्वे वगैरह वो सब बदल गया उनके नाम उसको अब क्या बोलते हैं हम लैंड सर्वे बोलते हैं तो ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं जब आप 2022 का अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो वहां से आपको और क्लियरेंस इस बारे में मिल जाएगी जो छोटी छोटी बातें अमेंड हुई हैं ठीक है और सेटलमेंट को हम किस नाम से जानते हैं लैंड असेसमेंट के नाम से 2022 आगे बढ़ते हैं। इसके बाद, एक 89 समझ कैसे होता है क्या पूरी कहानी है, है ना अब स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं कि इस लैंड सर्वे में क्या क्या हुआ वो सब बातें अब आएंगी इधर पे असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लैंड इन अर्बन एरियाज़

चाहे उस लैंड को किसी पर्सन ने एज अ भूमि स्वामी होल्ड करके रखा है चाहे गवर्नमेंट लेसी होल्ड करके रखा है चाहे एज अ सर्विस लैंड सर्विस लैंड जो मैंने बताया था ना कि सर्वेंट होता है उसको सर्विस लैंड दी जाती है एग्रीकल्चर लैंड है ना ड्यूरिंग इस पीरियड ऑफ ड्यूरिंग टेन ओवर ऑफ आफ द ऑफिस और भूमि स्वामी आपको मैंने पहली जो इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था गवर्नमेंट लेसी के बारे में भी बता दिया था इस तरह से सेक्शन 92 टू ये बात करता है ठीक है क्या बात करता है कि ये जो चैप्टर है वो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर परपजेस की जो लैंड दे रखी है अर्बन एरिया में उस पर अप्लाई होगा और वो लैंड कोई भी होल्ड करता हो चाहे भूमि कोई होल्डर ऑफ सर्विस लैंड चाहे गवर्नमेंट लेसी इतनी सी बात है इसमें सेक्शन 93 थ्री इंपॉर्टेंट है इसमें जो बात करता है पावर ऑफ कलेक्टर टू डिवाइड लैंड इन टू प्लॉट नंबर है ना लैंड को प्लॉट नंबर में डिवाइड करने की जैसे जो भी नॉन एग्रीकल्चर लैंड है बेसिकली उसको किसमें डिवाइड किया जाता है उसको प्लॉट नंबर में वो कौन करता है कलेक्टर ये इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ कलेक्टर सेक्शन 93 की है ना इसके बाद यहां कोई और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है नहीं सीधे आते हैं इसमें यहां तक कहा और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है नहीं जहां से क्वेश्चन बन सकता है ठीक है एक ये और देख लीजिएगा सेक्शन सेक्शनगा सौ एक सेक्शन सेक्शन वन हंड्रेड एंड वन देख लीजिएगा ली कि जो देखिए टर्म ऑफ सेटलमेंट दिया सेटलमेंट को क्या कहते हैं लैंड रेवेन्यू असेसमेंट तो वो कितना होगा वही वो कितना वो जो मैंने बताया था पीरियड ऑफ थर्टी ईयर्स है ना बेसिकली पीरियड ऑफ थर्टी ईयर्स क्वेश्चन बनता है तो वो लैंड सर्वे के रेस्पेक्ट में बेसिकली क्वेश्चन बनता है ये भी थर्टी ईयर्स याद रखिएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा चाहे अगर इसके लैंड असेसमेंट के रेस्पेक्ट में भी क्वेश्चन पूछा जाए तो थर्टी ईयर्स आप पीरियड याद रखिएगा ठीक है 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 और अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर वो लैंड रिकॉर्ड्स का है ना जिसमें हम बात करेंगे किसकी कि लैंड सर्वे हो गया उसके बाद लैंड को कोई परस, कोई भी पर्सन होल्ड करेगा तो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएंगे है ना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएंगे कि भाई इस इस पर्सन ये पर्सन इस लैंड को इस राइट के अंडर होल्ड करता है इस तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह रि, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाए जाएंगे डिफरेंट और भी फील्ड मैप वगैरह जो बनाए जाते हैं वो सब इधर पे बात होगी है ना वो सारी बातों को इधर पे देखते हैं उसके बाद ये देखिए कि लैंड रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे है ना लैंड रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे वो सारी जो बातें हैं है, लैंड रिकॉर्ड हमको हम पढ़ते तो वही कि जैसे मान के चलो कि जो भी लैंड से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब इधर पे आएंगे है ना तो उनको आप डिस्कस करेंगे चैप्टर में जैसे हम पढ़ते हैं कि किसी भी आ, जो म्यूटेशन होता है नामांतरण जो हम सुनते हैं कि भाई जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसमें अपना अगर तुमने कोई प्रॉपर्टी परचेस कर ली लिया तो अपना नाम लैंड रिकॉर्ड्स में बदलवाओ ये सब बातें रहती है ना घर का अगर कोई पार्टीशन हो गया है तो अपना लैंड का पार्टीशन हो गया तो अपना जो भी नाम है रिकॉर्ड्स में वो नाम चेंज करवा लो जिसको कहते हैं म्यूटेशन नाम ना। वो सब बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे चैप्टर नाइन में ठीक है चैप्टर नाइन है लैंड रिकॉर्ड्स की बात कर तो ले मैं सारे प्रोविजन उसमें डील नहीं कर रहा हूँ उसका लैंड रेवेन्यू कोड है इसमें बहुत सारे हैं लेकिन जो हमारा previous year papers का analysis है, उसके basis पर मैं वही provisions import, provisions discuss कर रहा हूँ और उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस भी कर रहा हूँ जिनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं है ना क्योंकि हमारे लिए उतना पॉसिबल नहीं रह पाएगा अगर हम कोशिश करेंगे याद रखना यही बस उसका एक पर्पज है और आपको भी मैं सजेशन दूंगा कि आप भी जब प्रीवियस ईयर पेपर को, को देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत ट्रेंड है बहुत लंबा। और एल आर सी की बात की जाए तो नए क्वेश्चन बनाए नहीं जाते हैं आप देखोगे कि वहीं से कुछ घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है जो पहले कभी पूछ रखा है है ना या फिर कुछ अमेंडमेंट से कोई नई चीज आ गई तो पूछ लेते हैं ये वाली बात है इसके बाद देखिए लैंड रिकॉर्ड्स सेक्शन 104 हंड्रेड फोर फॉर्मेशन ऑफ पटवारी सर्कल्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पटवारी जो एक आ, होती है उसका नाम बहुत सुनते हैं आप है ना क्योंकि बेसिकली जो विलेजेस वगैरह होते हैं वहां उस उस स्तर पर जो ऑफिसर काम करता है वो वो कौन होता है पटवारी होता है तो अब आगे देखिए ये पूरी कहानी यहाँ से स्टार्ट हो गई ये जब जो नाम जि, जिन जिन टर्म्स से हम फेमिली हैं उनकी कहानी है स्टार्ट हो गई फॉर्मेशन सेक्शन वन हंड्रेड फोर

अरेंज कर देंगे पटवारी सर्कल्स में कौन करेगा कलेक्टर करेगा आगे देखिए सेक्शन का द तो कलेक्टर अपॉइंट वन और मोर पटवारी तो पटवारी टू ईच सबसे अपॉइंटमेंट कौन करेगा पटवारी इसका, कलेक्टर करेगा है ना ये क्वेश्चन बनता है और फॉर्म कौन करेगा पटवारी वो भी कलेक्टर करेगा तो ये क्वेश्चन यहाँ से वन हंड्रेड फोर से पूछा जाता है ठीक है पर्पज क्या रहेगा फॉर द मेंटेनेंस एंड करेक्शन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स जो लैंड रिकॉर्ड्स उसका प्रॉपर मेंटेनेंस बना रहे है। उनका जो, तो जो बातें रहती हैं वो दर पे पटवारी उनसे डील करता है है ना यह हुआ सबसे देखिए फॉर्मेशन ऑफ रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल्स अब एक आपने ऑथोरिटी सुनी होगी आर आई रेवेन्यू इंस्पेक्टर द कलेक्टर सेल अरेंज पटवारी सर्कल्स अब पटवारी सर्कल्स अभी क्या बनाए थे विलेजेस को अरेंज करके क्या बनाया था पटवारी सर्कल्स अब पटवारी सर्कल्स को अरेंज करके क्या बनाया जाएगा रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल्स पहले विलेजेस को अरेंज करके बनाया गया पटवारी सर्कल्स अब पटवारी सर्कल्स को अरेंज करके क्या क्या बनाया जा रहा है रेवेन्यू सर्कल्स तो पटवारी से जो सुपीरियर अथॉरिटी रहेगी वो कौन रहेगी रेवेन्यू ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर ठीक है ये कौन अरेंज कर रहा है कलेक्टर 106 देखिए द कलेक्टर मे अपॉइंट टू डिस्ट्रिक्ट एज मेनी वन हंड्रेड एंड सिक्स टू रेवेन्यू इंस्पेक्टर रेवेन्यू इंस्पेक्टर का भी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है कलेक्टर कर रहा है ये सब पूछे जाते हैं कि, कि किसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है पटवारी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर का कौन कर रहा है कलेक्टर कर रहा है आगे देखिए 107 इस ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं है यहां पर बस आप ये देख लीजिए जो वन हंड्रेड फील्ड मैप लिखा है ना सेक्शन में उसको अभी चेंज कर दिया गया उसको मैप मैप ऑफ नहीं है रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट इन अकॉर्डेंस रूल्स मेड इन दिस बी फॉर एवरी विलेज एंड एरिया अब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाए जाते हैं कि भाई किस को, कौन पर्सन किस राइट से किसी पर्टिकुलर लैंड को होल्ड कर रहा है वो सब बातें इधर पे आएंगी ठीक है इधर रिकॉर्ड ऑफ बनाए जाएंगे बिलेज के लिए और अर्बन एरिया दोनों के लिए क्या क्या रहेगा रिकॉर्ड ऑफ ऑफ राइट्स में द नेम ऑल भूमि स्वामी सारे भूमि स्वामीज उनका नाम रहेगा वो किस सर्वे नंबर की लैंड होल्ड करते हैं या फिर प्लॉट नंबर होल्ड करते हैं वो सारी बातें इरिगेटेड एरिया है उनके पास अनइरिगेटेड एरिया है वो सारी बातें लिखी जाती हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में इसी तरह से कोई पर्सन एज अ गवर्नमेंट ले किसी पर्टिकुलर लैंड को होल्ड करता है तो उसका नाम वाम सब लिखा जाता है वो होता है रिकॉर्ड ऑफ राइट बहुत सा, बहुत सामान्य सी बात है कुछ खास है नहीं इसमें एक बार रीड आप करिएगा आपको समझ आ जाएगा कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन वन हंड्रेड एंड एट यही सब दिया है ठीक है और ये रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाए कब जाते हैं सीधी सी बात है तो तब बनाए जाते हैं जब प्रॉपर लैंड सर्वे हो रहा होता है और कुछ ऐसी खास बात है नहीं इसमें क्शन वन हंड्रेड एट देख लिया इंपॉर्टेंट है एक्विजिशन ऑफ राइट्स टू बी रिपोर्टेड अगर मान के चलो किसी पर्सन ने कोई लैंड खरीदी है किसी पर्सन ने कोई लैंड खरीदी है उस लैंड की जानकारी कहाँ दी जाती है प्रॉपर होता है ना म्यूटेशन वगैरह होता है नामांतरण होता है जो भी लैंड रिकॉर्ड होते हैं उसमें आप अपना नाम लिखवाते हो कि ये लैंड मेरे नाम पर क्या हो गई है ट्रांसफर हो गई इस तरह से कहानी चलती है ठीक है तो एक्विजिशन ऑफ राइट्स टू बी रिपोर्टेड आपने कोई भी राइट एक्वायर किया वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा किसको करना पड़ेगा देखिए बताते हैं पटवारी को पटवारी को इस बात की क्या जानकारी देगा इंफॉर्मेशन देगा विद इन सिक्स मंथ जो भी राइट इंटरेस्ट एक्वायर कर रहा है orally, या तो से, से right, इन right को, को इस, right उस, उस इस बारे में जानकारी देगा एंड पटवारी सेल एडवांस गिवन आर रिटर्न एक्नोलॉज फॉर सच रिपोर्ट और पटवारी क्या कह देगा हाँ की हाँ मुझे और सबसेक्शन टू बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो पटवारी को जानकारी दे सकता है कि भाई मैंने कोई पर्टिकुलर लैंड में राइट या इंटरेस्ट एक्वायर किया है और दूसरा सबसेक्शन टू में किसको दे सकता है एनी सच पर्सन ऑल्सो रिपोर्ट राइट इन राइटिंग ठीक है वहां पर ओरली और राइटिंग पटवारी को देगा तो ओरली और राइटिंग कुछ भी दे सकता है लेकिन यहाँ राइटिंग में देनी पड़ेगी अगर वो एक्यूजिशन उस एक्यूजिशन की इंफॉर्मेशन किसको दे रहा है तहसीलदार को विथिन सिक्स मंथ फ्रॉम दच एक्शन पीरियड सेम ही है सिक्स मंथ सी है पटवारी को भी दे सकता है तहसीलदार को भी दे सकता है इन्फॉर्मेशन और पटवारी को देगा तो ओरली और राइटिंग कैसे भी दे सकता है लेकिन तहसीलदार को देगा तो सिर्फ राइटिंग में ही जाएगी ठीक है ये बात हो गई सेक्शन 109 की बहुत इंपॉर्टेंट है 110 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन सब्सटीट्यूट हो गया है गुड इवनिंग राजीव ठीक है सब्सटीट्यूट सब्सटीट्यूट हो गया है ये प्रोविजन सेक्शन 110 ये देखिए म्यूटेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट इन लैंड रिकॉर्ड्स ये तो भाई बहुत ज्यादा समझने सुनने में आता है नामांतरण बोलते हैं इसको ज्यादातर लड़ाई दुनिया में सीखी है है ना इसकी लड़ाई है लैंड की लड़ाई है जायदाद को भाइयों में बटना था भाई जादात में बट गए ये सब लैंड की लड़ाई है ना सेक्शन म्यूटेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट इन लैंड रिकॉर्ड अब जो राइट आपने किसी लैंड में अक्वायर किया है उसके रेस्पेक्ट में जो रिकॉर्ड रहते हैं ना उसमें आप अपना नाम लिखवाओगे म्यूटेट करवाओगे उसको ही कहते हैं नामांतरण देखिए पढ़ रहा हूं द the, the पटवारी सेल रिकॉर्ड एवरी एक्विजिशन ऑफ राइट विच में किसी पर्सन ने किसी लैंड में कोई राइट एक्वायर किया उसकी जानकारी किसको दी पटवारी को ठीक है पटवारी को जानकारी दी पटवारी उस जानकारी को अपने एक रजिस्टर में लिख लेगा और बीच कमस्यूट नोटे और इन्फॉर्मेशन रिसीड थ्रू ऑनलाइन मीडियम और एनी अदर सोर्स इन द ऑनलाइन ई नामांतरण पोर्टल अब देखिए अब थोड़े से अपन क्या डिजिटलाइजेशन हो गया है देश में तो ई नामांतरण पोर्टल भी है है ना ई पोर्टल में भी आप ऑनलाइन जानकारी दे सकते हो पटवारी को कि हाँ फलाना फलाना तारीख को है ना इस डेट को हमने इस प्रॉपर्ट इस लैंड में एक राइट या फिर को, कोई भी राइट क्या किया था एक्वायर किया था अर्जित किया था ठीक वे जानकारी आप उसको पटवारी को पटवारी को अपने पास रजिस्टर्ड करके रखेगा पॉल सच रिपोर्ट रिलेटिंग टू एगेशन ऑफ राइट एज द केस मे बी रिसीव बाई पटवारी सेल बी सेंड टू दी तहसीलदार विथ इन पीरियड तो जहाँ नहीं दिया होता क्वेश्चन पूछा नहीं जाता तो इधर पर कोई टाइम पीरियड नहीं दिया है पटवारी को जब जानकारी आई इस तरह के किसी राइट right के एक्विजिशन की तो वो जानकारी पटवारी वो इंफॉर्मेशन किस फॉरवर्ड कर देगा तहसीलदार होगा पटवारी से ऊपर ऑथोरिटी कौन सी है तहसीलदार ठीक है पटवारी ना जाना जानकारी है तहसीलदार को अब आगे देखिए अब तहसीलदार को जानकारी मिली अल्टीमेटली म्यूटेशन करेगा कौन तहसीलदार है ना पटवारी से जानकारी तहसीलदार तक पहुंची या फिर डायरेक्ट तहसीलदार को जानकारी पहुंची या फिर कहीं से भी तहसीलदार को इन्फॉर्मेशन मिली कि, कि किसी पर्टिकुलर लैंड में एक पर्सन ने राइट right एक्वायर किया है ऐसा हुआ है तो क्या है उसके इसमें सबसेक्शन थ्री देखिए ऑन द सीट ऑफ इंटिमेशन एंड सेक्शन वन हंड्रेड नाइन द सीट ऑफ इंटिमेशन ऑफ एक्विजीशन ऑफ सच राइट थ्रू ऑनलाइन मीडियम और फ्रॉम एनी अदर सो किसी भी सोर्स से तहसीलदार को जानकारी मिली है ठीक है तो तहसीलदार क्या करेगा भाई जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उस केस में उनको नोटिस वगैरह जाएगा सबको सुनेगा समझेगा और सबको सुनने समझने के बाद प्रॉपर नोटिस देगा कि भाई उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट तो नहीं है कोई पर्सन अपना राइट तो क्लेम नहीं कर रहा जिस उस लैंड पे ये सब जानकारी सब देखने के बाद फाइनली म्यूटेशन से रिलेटेड डिसीजन कौन लेगा तहसीलदार लेगा और जब किसी लैंड रिकॉर्ड में कोई किसी भी पर्सन का कोई भी म्यूटेशन होता है तो जो भी उससे रेस्पेक्ट जो भी आ, उससे रिलेवेंट लैंड रिकॉर्ड होते हैं उनमें उस पर्सन का नाम चेंज वगैरह हो जाता है तो ये सब कहानी चलती है म्यूटेशन में फाइनल डिसीजन कौन लेगा तहसीलदार लेगा इसमें

कोई फर्क नहीं पड़ता है ना मतलब वही एप्लीकेंट नॉन एप्लीकेंट कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिसीजन कैसे होगा मेरिट के बेस पे दिया जाएगा मेरिट के बेस पे डिसीजन कैसे होता है सारे सारे बिटनेस एविडेंसेस को देखने सुनने समझने के बाद जो डिसीजन होता है उसको मेरिट पे कहते हैं और एक क्या होता है कि केस डिसमिस कर दिया कोई एक पार्टी नहीं आई केस में मान के चलो जिस पर्सन ने केस फाइल किया था वो नहीं आया कोर्ट में उस केस को डिसमिस कर देते हैं यहां पर क्या लिखा है मामला मेरिट पर सुना जाएगा भले ही कोई पार्टी आए ना आए आपका काम है पूरे एविडेंस जो आपके सामने आ रहे हैं कहीं से भी आपके पास जो जानकारी है उसको देखिए उसको एनालाइज कीजिए और उसके बाद उस पर देख लीजिएगा क्वेश्चन बन सकता है अब ये देखिए सबसेक्शन एट सेक्शन वन हंड्रेड एंड हम कौन सा पढ़ रहे हैं सेक्शन वन हंड्रेड टेन पढ़ रहे हैं उसका सबसेक्शन एट पढ़िए अगर मान के चलो जो एक स्पेसिफाइड पीरियड है उसमें तहसीलदार को म्यूटेशन जो भी मामला है म्यूटेशन का वो क्या करना है, करना है। अगर तहसीलदार म्यूटेशन गवर्नमेंट ने दे रखा हो उसमें नहीं, उसको नहीं कर पाता है तो फिर तहसीलदार की की जो पेंडिंग ऑफ नहीं कर पाए तहसीलदार उनकी जानकारी इंफॉर्मेशन किसको देगा कलेक्टर को देगा अंडर तो थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्शन वन हंड्रेड एंड आगे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हैं. है. देख देखिए यहां पर जो भी जूरिस्टिक्शन है वो रेवेन्यू ऑथोरिटीज का है यहां पर सिविल कोर्ट का कोई मामला है ही नहीं मेनली टाइटल की बात आएगी वहां पर सिविल कोर्ट के पास जाएंगे इस अगर कोड में किसी प्रॉपर्टी किसी लैंड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है और टाइटल की बात आ जाती है कि इसका टाइटल होल्डर कौन है तो आप जरूर सिविल सूट फाइल करेंगे लेकिन जो जितने भी मैटर्स होते हैं लैंड रेवेन्यू कोड में वो जो रेवेन्यू अथॉरिटीज है वही उसको एडजुडिकेट करती है तो यहाँ सेक्शन वन में सिविल कोर्ट की बात की वो बात क्या है इंपॉर्टेंट है वो बात देखिए क्या लिखा है ज्यूरिडक्शन ऑफ सिविल कोर्ट द सिविल कोर्ट सेल है स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अ पार्टी

ठीक है उसको उस क्लेरिकल एरर को कौन रेक्टिफाई करता है सब डिविजनल ऑफिसर सेक्शन वन हंड्रेड एंड थर्टीन में दे रखा है ठीक है वन हंड्रेड एंड फोर्टीन देखिए लैंड रिकॉर्ड्स

किसान किसान किताब निस्तार पत्रक उसके बाद माफ कीजिएगा इसमें भू अधिकार पुस्तिका का कोई जिक्र नहीं है है ना किसान किताब द डिटेल्स ऑफ अनऑक्युपाइड लैंड निस्तार पत्रक बाजी ये सारे के सारे रिकॉर्ड बताएंगे इन रिकॉर्ड्स को हम लैंड रिकॉर्ड्स कहेंगे यानी कि Uh, पूरा जो भी मैप होता है किसी भी लैंड का पर्टिकुलर एरिया का वो मैप रहेगा उसके बाद कोई भी ऐसी लैंड है जो अनऑक्युपाइड लैंड है है ना जिसका जिस, जिस पर कोई भी राइट क्लेम नहीं करता उसका गवर्नमेंट डिफरेंट परपजेस के लिए उस लैंड को यूज करती है ना आगे हम पढ़ेंगे कुछ एक निस्तार पत्रक होते हैं कि एक ब्लेज में जो लैंड है उसके प्रॉपर जो भी अनऑक्युपाइड लैंड है ब्लेज में उसके अरेंजमेंट के लिए प्रॉपर स्कीम बनाई गई है निस्तार पत्रक आगे हम पढ़ेंगे रिकॉर्ड ऑफ सेक्शन 108 में पढ़ा, बाजी अर्ज, वो हम हम पढ़ेंगे आगे section 242 में। इस तरह तरह की जो अलग-अलग होते हैं, उनको हम कहते हैं उनको कहते से सारे ये records हैं किसी भी तरह के, यह, यहाँ हमने डिस्कस किए वो सब लैंड रिकॉर्ड्स में फॉलो करते हैं तो ये सेक्शन वन आपको पता होना चाहिए इसको एक बार पढ़ लीजिएगा बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ठीक है इसके बाद देखते हैं हम सेक्शन section... जैसे यहां हम जो पढ़ते हैं ना किसान किताब उसको हम एम पी एल आर सी में जब पढ़ते हैं तो भू अधिकार पुस्तिका पढ़ते हैं इसलिए मुझे गलती से भू अधिकार पुस्तिका भी मैंने कह दिया था लेकिन यहां जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो किसान किताब हुआ है ठीक है अब यहां पर देखिए

जो भी आप राइट जिस राइट से उस लैंड को होल्ड करते हो कितनी आपकी लैंड है उसकी पूरी जानकारी उस किसान किसान किताब में रहती है है ना तो वो भूमि स्वामी के पास भूमि स्वामी इस बुक को कलेक्ट कर सकता है आफ्टर पेमेंट ऑफ सच फीस विच मे भी प्रस्क्राइब्ड बाई दी स्टेट गवर्नमेंट ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं किसान किताब सेक्शन वन हंड्रेड फोर्टीन बहुत इंपॉर्टेंट है और किसान किताब से रिलेटेड जो भी जो भी डिस्प्यूट्स होता है कोई भी एरर होती है उसको रेक्टिफाई करना ये सारी बातें कौन इससे डील करता है तहसीलदार डील करता है ठीक है, है, बहुत है। उट, उसके बाद आता है सेक्शन वन हंड्रेड फिफ्टीन देखो हम स्पीड तो बना देंगे स्पीड बनाने में मुझे कुछ नहीं है बस यही है कि मैं थोड़ा इसलिए धीमे चलता हूं कि इससे जो चीजें हैं इम्पोर्टेंट बातें हैं वो स्किप ना हो जाए स्पीड बनाने में मुझे कुछ नहीं है थोड़ी बस वही एक रीजन है सेक्शन वन हंड्रेड फिफ्टीन देखिए है, है ना थोड़ी सी स्पीड बना लेते हैं अगर जनता का ये कहना है और अगर आपको स्पीड तेज लगे तो मुझे आप लोग बता दीजिएगा ठीक है सेक्शन वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन देखिए ये क्या बात करता है करेक्शन ऑफ रॉन्ग और इनकरेक्ट एंट्री इन लैंड रिकॉर्ड ठीक है करेक्शन ऑफ रॉन्ग और इनकरेक्ट एंट्री इन लैंड रिकॉर्ड अब लैंड रिकॉर्ड में कोई भी क्लरिकल एरर हो जाएगी तो उसको रेक्टिफाई कौन करेगा उसकी बात है उस उससे पहले प्रोविजन देख लीजिए सेक्शन 117 उसमें क्या लिखा है प्रोजम्सन एज टू एंट्रीज इन लैंड रिकॉर्ड लैंड रिकॉर्ड्स में जितनी भी एंट्रीज हमने पढ़ी ना सेक्शन 114 में उनको क्या माना जाएगा उनको माना जाएगा कि वो करेक्ट है पूरी तरह से जब तक उसके रेस्पेक्ट में कोई कॉन्ट्रेरी एविडेंस आप लेके नहीं आते तब तक ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो सेक्शन 114 में जो लैंड रिकॉर्ड्स में जो एंट्रीज हैं, वो सारी की सारी एंट्रीज करेक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं ये हमारा प्रिजम्सन रहेगा उदाहरणा रहेगी सेक्शन 117 बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद वन देखिए करेक्शन ऑफ रॉन्ग एंट्री इन खसरा एंड एनी ये सब्सिट्यूट हो गया इस प्रोविजन उस जो सब्सिट्यूट प्रोविजन उसको पढ़ रहा हूँ करेक्शन ऑफ रॉन्ग एंड इन करेक्ट एंट्री इन लैंड रिकॉर्ड सेल्फ इसको क्या बोलते हैं रिवर्टेबल प्रोजेन ऑफ लॉ है ना जो हम एविडेंस एक्ट में में पढ़ते हैं सेक्शन सब डिविजनल ऑफिसर सब डिविजनल ऑफिसर में ऑन इज ओन मोशन और ऑन एप्लीकेशन ऑफ एन एवरी पर्सन आफ्टर मेकिंग सच इंक्वाज करेक्ट एनी रॉन्ग और इनकरेक्ट एंट्री इंक्लूडिंग एन

वैसे इसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स लिखा है लेकिन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जो हमने सेक्शन पढ़ा था उसमें कोई भी गलती होती है तो SDOE उसको ठीक करता है और किसान किताब को कौन ठीक करता है तहसीलदार यहां पर अदर देन लिख दिया है बेसिकली ये प्रोविजन कहा से उठाया गया है मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड से उठाया गया है मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड में क्या होता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के रेस्पेक्ट में जो एरर होती है उसको कलेक्टर ठीक करता है है ना और यहाँ इसलिए अदर देन वहां से उठा के लिख दिया है भाई आप लोगों ने सेक्शन वन हंड्रेड थर्टीन में क्या लिखा है कि करेक्शन ऑफ जो भी एरर्स होती है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में आ, उनको कौन ठीक करता है एसडीओ और आपने यहां लिख दिया है जब एसडीओ की बात हो रही है अदर देन दी किसान किताब एंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स किसान किताब का तो हमने समझ लिया कि तहसीलदार करता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का तो एसडीओ ही करता है ना अब आपने कॉपी किया है कहां से एमपीएलआरसी से इसलिए आपसे गलती हो गई ठीक है आगे देखिए इसमें प्रोविजो देखिए प्रोवाइडेड दैट नो एक्शन बी फॉर करेक्शन ऑफ एनी एंट्री टू अ पीरियड प्रायर टू फाइव ईयर विदाउट द देंशन एंड राइटिंग ऑफ द कलेक्टर ठीक है तो अगर कोई भी एंट्री है कितनी फाइव ईयर पांच साल पहले की कोई एंट्री है आज एप्लीकेशन फाइल की गई है किसी एंट्री को रेक्टिफाई करने से रिलेटेड वो एंट्री पांच साल पहले की है उससे अगर आपको रेक्टिफिकेशन करना है किसको, को subdivision officer को तो वो किसकी सेंशन से करेगा कलेक्टर की सेंक्शन से करेगा इन राइटिंग में कलेक्टर की सेंशन से करेगा प्रोविजर बहुत इंपॉर्टेंट बात. उसके बाद देखिए नो ऑर्डर सेलवी पासन वन अगर एसडीओ को किसी भी आ, क, आ, एरर को रेक्टिफाई करना है लैंड रिकॉर्ड्स में तो उससे पहले उसको दो बातें देखनी पड़ेगी पहली गेटिंग रिपोर्ट फ्रॉम दी तहसीलदार तहसीलदार से एक रिटर्न रिपोर्ट मिलनी चाहिए उसको दूसरा क्या अपॉर्चुनिटी देगा जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है party उस पर्टिकुलर एंट्री से रेस्पेक्ट में उन सबको राइट ऑफ हियरिंग मिलेगा इसके बाद इसके बाद जो प्रोविजो है वो क्या कहता है प्रोवाइड दैट वेयर द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व जहां गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है सब डिविजनल ऑफिसर से केस टू दी कलेक्टर जहां गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वहां एसडीओ कलेक्टर को सबमिट कर देगा उस केस को है ना जहां गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है किसी एंट्री के रेस्पेक्ट में उस मैटर को एसडीओ नहीं देखेगा उस एंट्री को एसडीओ कहीं रेक्ट कुछ नहीं करेगा कोई भी प्रोसीडिंग नहीं करेगा उस रेस्पेक्ट में, उस रेस्पेक्ट में एंट्री के, के, के रेस्पेक्ट में या गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इन्वॉल्व उसको ट्रांसफर किसके पास कर देगा कलेक्टर के पास और कलेक्टर अपने हिसाब से इंक्वायरी करेगा और ऑर्डर पास कर देगा उस पर्टिकुलर एंट्री के रेस्पेक्ट में जहां गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ठीक है तो ये बात थी हमारी किससे रिलेटेड सेक्शन वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन से रिलेटेड सेक्शन वन हंड्रेड एंड सिक्सटीन था अभी ओमिट हो गया है आफ्टर अमेंडमेंट 117 हमने पढ़ लिया अब देखते हैं 118 सौ तो अगर आप 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 किसी भी लैंड है उसके रेस्पेक्ट में टाइटल होल्ड करते हो ठीक है अभी कोई भी लैंड है उसके रेस्पेक्ट में आप टाइटल होल्ड करते हो तो अगर कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर है आपसे उस टाइटल के रेस्पेक्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट मांगता है कोई भी जानकारी मांगता है तो वो जानकारी आपको इंफॉर्मेशन उसको देनी है

इन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करता इंफॉर्मेशन नहीं देता पीरियड तो उस पर क्या लगेगी पेनल्टी लगेगी कितनी कौन लगाएगा तहसीलदार कितनी पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग रुपीज जिसको कैसे रिकवर किया जाएगा एज एन एरियन ऑफ लैंड रेवेन्यू यहां से क्वेश्चन बनता है ठीक है ऑथोरिटी क्वेश्चन बनता है आ, हेलो मेघा से ऑथोरिटी का क्वेश्चन बनता है और पेनल्टी का अमाउंट का क्वेश्चन बनता है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन वन हंड्रेड नाइनटीन उसके बाद देखिए 120 इतना इंपॉर्टेंट नहीं हैन ट्वेंटी वन देखिए पावर टू मेक रूल्स फॉर लैंड रिकॉर्ड्स तो लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड जो रूल्स उनकी उनको बनाने की पावर किसके बाद है? की पास है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है ठीक है 121 ये इंपॉर्टेंट बात है एक इसके बाद वन एंड नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर जो डील करता है बाउंड्री एंड बाउंड्री मार्क्स सर्वे मार्क्स अब देखिए जो भी देखा था हमने कि भाई जो भी विलेज है है ना जो भी जैसे मान के चलो एक विलेज है तो उस विलेज में डिफरेंट डिफरेंट बातें होंगी बिलेज में आबादी होगी एक जहाँ पर लोग रह रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड होगी जहाँ पर लोग खेती वगैरह करते हैं कल्टीवेशन करते हैं कुछ ऐसा एरिया होगा जहाँ जो गांव पूरे गांव की जो कम्युनिटी है विलेज की कम्युनिटी उसकी यूज के लिए होगा कोई प्ले ग्राउंड होगा कोई क्रेमेशन ग्राउंड होगा कोई पाथ होगा रोड होगी इस तरह से गांव प्रॉपर डिवाइड होता है तो उसकी क्या होता है प्रॉपर डिमार्केशन होती है बाउंड्रीज की है ना क्या होती है बाउंड्रीज का प्रॉपर डिमार्केशन होता है जिससे क्या बाउंड्रीज का डिमार्केशन इसलिए जरूरी है कि कहीं ऐसा नहीं होता अपन को गवर्नमेंट लैंड थोड़ी सी मिल जाती तो है तो अपन कब्जा कर लेते हैं तुरंत उस पर है ना अब दूसरा इंसान कई दिनों से कहीं बार बार रह रहा है उधर नहीं रहता तो उसकी प्रॉपर्टी में आपने कब्जा कर लिया होता नहीं कि लैंड तो है, है, क्या, तो क्या करते हो खिसका के उस एरिया को अपने में ले लेते हो इस तरह की हरकतें ना हो तो उसके लिए प्रॉपर बाउंड्री क्रिएट की जाती है कि भाई ये तुम्हारी लैंड है ये आबादी आबादी का एरिया है अनुपाइड लैंड है इस तरह से प्रॉपर डिविजन होता है बाउंड्रीज बनाई जाती है उसके लिए नहीं कि पब्लिक पाथ है और आपने वोरी कब्जा कर लिया इस तरह की चीजें रहती हैं सेक्शन 124 इंपॉर्टेंट है चैप्टर 10 इसी से डील करता है बाउंड्री मार्क्स बनाए जाएंगे कौन बनाएगा है ना कोई अगर पर्सन नहीं बनाता है तो फिर अगर माने चलो बनाता वही है जो होल्डर है उस प्रॉपर्टी उस लैंड का नहीं बनाता तो क्या होगा कोई बाउंड्री मार्क्स को Uh, कर देता है डिस्ट्रॉय कर देता तो क्या होगा पेनल्टी कितनी क्या होगी वो सब बातें डिस्कस होगी इस चैप्टर में ठीक है तो इसको देखिए चैप्टर वन ट्वेंटी फोर कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क्स है ना ये भी क्या हुआ है अमेंडमेंट एक्ट से सब्सटीट्यूट हो गया बदल गया पूरा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्री मार्क्स पढ़ रहा हूँ अर्बन एरियाज ठीक है जो भी विलेजेस हैं अर्बन एरियाज हैं उनमें जो बाउंड्रीज बनाई जाएंगी सेल बी फिक्स एंड डीमार्केड बाई परमानेंट बाउंड्री मार्क्स है ना प्रॉपर बाउंड्रीज बनाई जाएंगी द स्टेट गवर्नमेंट मे नोटिफिकेशन ऑर्डर दैट द बाउंड्रीज ऑफ ऑल सर्वे नंबर और प्लॉट नंबर शुड बी फिक्स एंड डिमार्केटेड बाई बाउंड्री मार्क्स ठीक है तो बाउंड्रीज प्रॉपर बाउंड्री बनाई जाएंगी बाउंड्री मार्क्स होंगे प्रॉपर है ना जो मैंने आपको बता दिया पर्पज क्या होता है ये सब कहानी है कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क्स इंपॉर्टेंट प्रोविजन है याद रखिएगा स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर पर बनते हैं ये ठीक है सेक्शन 124 इसके बाद देखिए सेक्शन 125 ट्वेंटी फाइव डिस्प्यूट रिगार्डिंग बाउंड्रीज बिटवीन विलेजेस एंड अर्बन एरिया सर्वे नंबर जो भी बाउंड्रीज बनती है उनसे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कौन रिजोल्व करता है उसको रिजॉल्व करता है तहसीलदार कौन करता है ये डिस्प्यूट्स को तहसीलदार यहां से क्वेश्चन बनता है एक तो डिस्प्यूट्स कहां दिया ये प्रोविजन नंबर और तहसीलदार अथॉरिटी 126 देखिए इजेक्टमेंट ऑफ पर्सन इजेक्टमेंट ऑफ पर्सन रॉन्गफुली इन पजेशन ठीक है तो अगर कोई पर्सन वह एक प्रॉपर बाउंड्री बनाई गई थी ठीक है और अगर मान के चलो कि आपने दूसरे किसी पर्सन की लैंड पर अपना पजेशन आप क्लेम कर रहे हो या फिर कोई भी पब्लिक वे था उस पर आप उस उस लैंड पे आप अपना पजेशन क्लेम कर रहे हो अगर ऐसा कुछ करते हो मतलब कुल मिलाकर आपने रॉन्गफुली पजेशन क्लेम कर रहे हो उस पर कब्जा कर लिया आपने एक तरह से है ना कैप्चर कर लिया उस लैंड को तो उसके रेस्पेक्ट में इजेक्टमेंट ऑफ पर्सन रॉन्गफुली इन पजेशन When a boundary has been fixed, boundary fix की गई है तो तहसीलदार में समरली इजेक्ट एनी पर्सन हु इज रॉन्गफुली इन पजेशन ऑफ एनी लैंड किसी भी लैंड पर आप रॉन्गफुली पजेस करते हो तो आपको तहसीलदार वहां से भगा सकता है इजेक्ट कर सकता है उधर से आपको सेकेंड सबसे सेकेंड देखिए वन ट्वेंटी सिक्स का वे वे वेयर एनी पर्सन हैज बीन इजेक्टेड फ्रॉम एनी लैंड अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन वन ही मे बिथिन अ पीरियड ऑफ और नहीं जमीन के हम मालिक हैं तो कागज दिखाइए आप जमीन के मालिक हैं तो टाइटल आप अपना टाइटल prove कर सकते हैं सिविल सूट फाइल करके कि आप भाई हमारी जमीन थी हमारी लैंड थी तहसीलदार साहब ने हमको भगा दिया तो आप विथ इन वन ईयर फ्रॉम द डट ऑफ जो भी इजेक्टमेंट आपको भगाया गया था उस ऑर्डर एक पास किया गया होगा तहसीलदार ने उस डेट उस ऑर्डर की डेट से आप विध इन वन ईयर सिविल सूट फाइल कर सकते हो उस लैंड पर अपना टाइटल क्लेम कर सकते हो ठीक है वन ट्वेंटी देखिए डिमार्केशन एंड मेंटे बाउंड्री लाइन एवरी होल्डर ऑफ अ लैंड ब्लेड जो भी बाउंड्री लाइन होती है उनको मेंटेन कौन करता है उसको मेंटेन करता है जो भी होल्डर्स रहते हैं उस पर्टिकुलर लैंड के जिसके आसपास बाउंड्रीज बनाई गई है ना वो सब आपस में अपनी अपनी लैंड की बाउंड्रीज को क्या करते हैं मैने मेंटेन करके रखते हैं ठीक है वो पूरी कॉस्ट कौन देता है जो भी होल्डर रहता है उस पर्टिकुलर लैंड का ठीक है जैसे आपकी ये लैंड है इसके इसके बगल से एक पब्लिक बेज आ रहा है आपकी लैंड है उसके बगल से पब्लिक बेज आ रहा है ऐसे ठीक है तो आप उसकी प्रॉपर बाउंड्री बनाई गई कि ये आपकी लैंड है इसके बगल से ये आम रास्ता है पब्लिक वे है तो आप उस बाउंड्री जो बनाई उस बाउंड्री मार्क्स को आप अगर आपकी होल्डिंग है उस पब्लिक वे के पास में तो आप उस बाउंड्री मार्क्स को मेंटेन करके रखेंगे है ना होल्डर है जो उस लैंड का ये है सेक्शन 127 में अब देखिए सेक्शन 127 का सब सेक्शन वन का क्लॉज ए प्रॉपर डिमार्केशन वगैरह करोगे उसकी कॉस्ट वॉस्ट आप देखोगे और इसमें

128 पढ़ रहा हूं, मैं important provision. After the end of November, ये November जो है ना एक बार क्वेश्चन द एंड ऑफ नवंबर इन ईच ईयर हर साल में नवंबर मंथ के एंड के बाद द पटेल ऑफ द विलेज में कई ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट के एक ऑफिसर पटेल होता है आगे हम सेक्शन 222 में पटेल का अपॉइंटमेंट भी पढ़ेंगे

जितनी बाउंड्री मार्क हर बाउंड्री मार्क की एक हजार रुपए पेनल्टी लगेगी और कॉस्ट जो कॉस्ट जो रिपेयरिंग में जो जो कॉस्ट लग रही है पेनल्टी लग रही है वो दोनों कैसे रिकवर होगी एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू सेक्शन ट्वेंटी नाइन डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज फॉर सर्वे नंबर और सब डिविजन और प्लॉट नंबर अब ये इस हेडिंग को याद रखिएगा इस हेडिंग से एक बार मध्य प्रदेश में क्वेश्चन पूछा गया था एमपी में ठीक है इस हेडिंग से रिलेटेड सॉरी 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 बिच में एक्सटेंड टू वन हंड्रेड रुपीज एक सौ वो मैं गलती से वन थाउजेंड पढ़ लिया उसको वन हंड्रेड है थैंक यू सुलेखा फॉर करेक्टिंग माई मिस्टेक वो वन हंड्रेड को वन थाउजेंड पढ़ लिया मैंने गलती से सेक्शन वन ट्वेंटी एट में जो वन थाउ वन, हेंड़, वन हेंड़ जो मैंने पढ़ा वो वन है वहां पर वो गलती से मैंने पढ़ दिया ठीक है थीके? सेक्शन 129 की हेडिंग याद रखिएगा और तहसीलदार और रेवेन्यू ऑफिसर इन दोनों का नाम याद रखिएगा सब सेक्शन यही क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन बन सकता है ज्यादा कुछ खास बात है नहीं ठीक है उसके नहींक्शन वन थर्टी देखिए पेनल्टी फॉर डिस्ट्रक्शन आप मेंटेन आप, आप नहीं करते बाउंड्री वो सब तो ठीक है लेकिन आप डिस्ट्रॉय कर देते हो किसी बाउंड्री मार्क को तो क्या अगर आप ऐसी सब हरकतें करते हो किसी बाउंड्री मार्क को डिस्ट्रॉय वगैरह करते हो तो तहसीलदार या फिर और, तहसीलदार और अदर रेवेन्यू ऑफिसर आपसे फाइन ले लेगा कितना फाइन नॉट एक्सीडिंग फाइव थाउजेंड रुपीज नॉट एक्सीडिंग फाइव थाउजेंड रुपीज फॉर ईच मार्क सो डेस्ट्रॉय जो भी मार्क आपने डेस्ट्रॉय किया है उसके रेस्पेक्ट में अधिकतम कितना फाइव थाउजेंड रुपीज का क्या लगाया जा सकता है आपको फाइन लगाया जा सकता है ये कहानी है ये सब पेनल्टी वगैरह पूछी जाती है सेक्शन वन थर्टी वन राइट ऑफ वे एंड अदर प्राइवेट रीजमेंट इस प्रोविजन नंबर का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एमपी में बहुत बार पूछा गया है राइट ऑफ वे एंड अदर प्राइवेट रीजमेंट है ना अब मान के चलो कोई पर्सन है अब एक किसी पर्सन को अपना जो लैंड है मान के चलो एग्रीकल्चर लैंड है विलेज में उस लैंड तक पहुंचने के लिए वो एक एक पाथ एक रास्ता यूज करता है है ना एक होता ना ये छोटे छोटे रास्ते बने रहते हैं वो वो रास्ता यूज करता है और उस, वो रास्ता कहां से जाता है एक पर्सन की लैंड का पार्ट है वो रास्ता है ना लेकिन उस पर्सन की लैंड तक पहुंचने के लिए वो रास्ता एकमात्र एक रास्ता है ठीक है हम मान के चलो कि ये एक पर्सन का एक लैंड है ये ठीक है अब इस लैंड तक पहुंचने के लिए एक रास्ता का इस्तेमाल करता है एक पर्सन एक ही रास्ता सिर्फ और ये जो रास्ता है वो एक पर्सन की लैंड का पार्ट है किसी दूसरे पर्सन की लैंड का पार्ट है ये रास्ता ये जो एरिया आ रहा है तो सामने वाला जो पर्सन है इसको कई सालों से इस्तेमाल कर रहा है उसका एक पीरियड रहता है पर्टिकुलर पीरियड तो ऐसा, ऐसा एज अ इजमेंटरी राइट उसको क्लेम कर लेगा कि मुझे यहां तक जाने के लिए इस छोटे से रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा है ना और कोई रास्ता है नहीं तो उस इस तरह का राइट ऑफ वे और अदर इजमेंट की जो बात होती है वो सेक्शन वन वन में होती है और इसमें जो ऑथोरिटी है उसका नाम क्या है तहसीलदार ऑथोरिटी का नाम याद रखिएगा ठीक है जो बात बताई मैंने वही इसमें लिखी है ऑथोरिटी का नाम जरूर याद रखिएगा जिसके बाद वो गरीब आदमी जो गरीब इंसान है जिसको अपनी लैंड तक पहुंचना है वो फरियाद लेके जाएगा वो इंसान कौन है जो ऑथोरिटी कौन है तहसीलदार सेक्शन वन थर्टी टू पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वे एनी पर्सन हु एनक्रोज अपॉन और कॉजेस एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू द यूज ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड रोड पाथ और कॉमन लैंड ऑफ अ विलेज अब भाई कोई भी कोई भी एरिया है कोई भी पाथ है जिसके लिए बोला गया है कि इसको गांव में जितने भी विलेज में जितनी भी पॉपुलेशन वो सब इस्तेमाल कर सकते यूज कर सकती है अब उस पर कोई पर्सन एनक्रोचमेंट करता है है ना ऑब्स्ट्रक्शन करता है कोई भी ऐसा पब्लिक पाथ है जिस पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करता वैसे अपने यहाँ तो नहीं कर लेते शादी वादी होती है तो दो एक आध दिन नहीं चार पांच दिन के लिए वो रास्ते को बंद कर देते ऐसे ही विलेज वगैरह में कोई रास्ता है तो वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है कोई पर्सन है ना जिस पर गाँव की सारी जो कम्युनिटी है पॉपुलेशन है उसको

कोई बाधा डाल रहा है कोई पर्सन तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने का ऑर्डर कौन देगा डायरेक्शन कौन देगा तहसीलदार देगा ठीक है और तहसीलदार क्या लगा सकता है ऐसे किसी पर्सन पर अः पेनल्टी लगा सकता है कितनी पेनल्टी लगा सकता है टेन थाउजेंड रुपीज तक की ठीक है पहले तहसीलदार बोलेगा कि भाई ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हटा लो अगर नहीं हटाता वो पर्सन ऑब्स्ट्रक्शन को तो तहसीलदार ऑब्सट्रक्शन को हटवा देगा और उस पर्सन को पेनल्टी भी लगा देगा कितनी पेनल्टी टेन थाउजेंड रुपीज तक की ठीक है ये देखिए हाँ अच्छा आकांक्षा जो बात कर रहे हैं हाँ ई की बात उधर पर दी है लिमिटेशन एक्ट में है ना सेक्शन वन फो, थर्टी फोर

आपको पेनल्टी आप लगाई पे लगाएगी और आपसे फिर एक बॉन्ड भरवा लेंगे कि आप दोबारा ऐसी हरकत करोगे तो आपसे पेनल्टी तो आपको लगेगी लगी उस, उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए साथ में ये अमाउंट कुछ बॉन्ड का अमाउंट ले लेंगे फोरफिट कर लेंगे तो कहा इंसान दहशत रहेगी थोड़ी सी सेक्शन वन और कॉजेस एनी पर्सन बॉन्ड फॉर एक्सीडिंग इसमें लिखा है फाइव हंड्रेड रुपीज फाइव तो हंड्रेड रुपीज को अभी क्या कर दिया गया है कर दिया गया है दो हजार बाईस थाउजेंड रुपीज कर दिया गया है थाउजेंड है सेक्शन वन थर्टी फाइव सेक्शन वन थर्टी फाइव देखिए अब क्या होता है जैसे मान के चलो कि एक अनकूपाइड लैंड है है ना जिस जो किस, किसी को बिलोंग बिलोंग नहीं करती गांव में तो अब गांव वाले चाहते हैं बलेज की जो भी वहां की पॉपुलेशन है वो सब चाहती है कि वहां पर उसका एक पब्लिक वे बनाया जाए एक रास्ता बना दिया जाए है ना हमें एक एक रास्ते की जरूरत है या फिर जो पाथ है जो रास्ता है उसको थोड़ा सा उसकी विड्थ बढ़ा दी जाए है ना अब मान के चलो ऐसा है कि ये अपना हो गया बिलेज अब इस बिलेज तक पहुंचने के लिए कोई एक रास्ता है मान लो अब बिलेज वाले कहते हैं कि यह रास्ता थो थोड़ा छोटा थोड़ा कम बढ़ता है गांव तक पहुंचने के लिए और इस रास्ते के आसपास कुछ लोगों की कुछ जमीने हैं लैंड है कुछ और लोगों की तो गांव वाले कलेक्टर के पास पहुंचता कलेक्टर साहब के पास कि कलेक्टर साहब ये इसको ब्रस बढ़ाई जाए इस रास्ते की तो अब उस बारे में पूरी कहानी है कि भाई बिड़स अगर बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी और इन लोगों को क्या मिलेगा जो जिनकी वो लैंड है थोड़ा एरिया वहां से लिया जाएगा ना जैसे रेलवे ट्रैक बना बनाते हैं तो कुछ एरिया इधर उधर का ले देते हैं जो जिन भी लोगों के आसपास लैंड है इस तरह से इस, इसकी बिड़ बढ़ाई जाएगी तो यहाँ की इस लैंड से एरिया लिया जाएगा उसके लिए इन सब गरीब लोगों को जिनकी लैंड है इधर पर कंपेन्सेशन दिया जाता है वो सब कानी इधर पर दिए कि कितनी बिड़ वगैरह कितनी बिड़ के आप बढ़ा सकते हो क्या है कितना कंपेन्सेशन दिया जाएगा वो सब बात है सेक्शन वन में एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर रोड

रोड की कितनी कितनी फीट की उसकी वेथ होनी चाहिए नॉट एक्सीडिंग टेन फीट ये टेन फीट याद रखिएगा कितनी रोड नॉट एक्सीडिंग टेन फीट इन वेथ पाद यूज ऑफ दिलेज कम्युनिटी इन सच विज ही अगर आप ऐसा चाहते हो कि पाद बनाया जाए या फिर इस किसी पाथ की जाए, feet तक की, तो आप उसके लिए अमाउंट डिपोजिट कीजिए कम्पेंसेशन का वो इन गरीबों को देना पड़ेगा जिनकी लैंड है आसपास जिनका लैंड का एरिया इस्तेमाल होगा इसके लिए ठीक है सच ये ऐसा डिपोजिट कर दिया गांव वालों ने कंपेंसेशन डिपोजिट कर दिया ऑन सच डिपोजिट बी मेड द कलेक्टर में ठीक है द कलेक्टर द कलेक्टर बाय ऑर्डर मेवाईर प्रॉब्लिजन एक्वायर सच लैंड वो लैंड एक्वायर कर लेगा किसके लिए पाथ बनाने के लिए एंड अपॉन द मेकिंग ऑफ सच ऑर्डर सच लैंड सेल बेस्ट एब्सोल्युटली इन द स्टेट गवर्नमेंट और जो पाथ वगैरह होते हैं जो पब्लिक पाथ होते हैं वो किसकी संपत्ति होती है किसकी प्रॉपर्टी होती है स्टेट गवर्नमेंट की है ना तो ऐसा कोई अगर पाथ बनाया जाएगा इस तरह की लैंड का यूज करके तो प्रॉपर्टी रोड किसकी होगी? की डेट ऑफ वेस्टिंग है ना तो विध इन वन ईयर ऐसा सब होने के बाद रोड वगैरह बनने के बाद जिस भी पर्सन की लैंड उसमें उस इस्तेमाल हुई है वो पर्सन विथ इन वन ईयर उस डेट के बाद जो भी पर्सन उस लैंड में जो लैंड का यूटिलाइजेशन हुआ है उस वो क्या कर सकता है एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कलेक्टर पास। के पास किसके लिए कंपेंसेशन के लिए और कंपेंसेशन कितना दिया जाएगा ये भी क्या हो चुका है सब्सटीट्यूट हो चुका है चेंज हो चुका है प्रोविजन सबसेक्शन थ्री कंपेंसेशन कितना दिया जाएगा उन गरीब जमीन वालों को जिनकी लैंड है जो अभी रोड बनाने के लिए यूज, यूज हुई है यूटिलाइज हुई है द कंपेंसेशन पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच लैंड सेल बी इन अकॉर्डेंस विद दी जो एक्ट है ना 2013 का जो एक्ट है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन जो एक्ट है ना 2013 का उसके हिसाब से कंपनसेशन दिया जाएगा कितना दिया जाएगा ये नहीं लिखा है अभी इसके हिसाब से दिया जाएगा इस एक्ट के हिसाब से दिया जाएगा ये 135 में अमेंडमेंट हुआ है 2022 अमेंडमेंट ठीक है रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू चैप्टर 11 पढ़ते हैं रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू ठीक है निधि आप थोड़ा स्पीड अप कर देंगे और ज्यादा ऐसे कुछ प्रोविजन नहीं है कुछ जिसमें बहुत ज्यादा ऐसी बातें बताने को है, है ना कुछ 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 प्रोविजंस बीच में से ओमिट भी हो चुके हैं जैसे ऑक्युपेंसी टेनेंट वाले प्रोविजंस तो हो जाएगा जल्दी हो जाएगा ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें ठीक है अब देखते हैं सेक्शन 137 लैंड रेवेन्यू फर्स्ट चार्ज ऑन लैंड सेक्शन 137 में क्या लिखा है कि लैंड रेवेन्यू सबसे पहले कहाँ होता है सर्विस फर्स्ट चार्ज ऑन लैंड एंड ऑन द रेंट देयर ऑफ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है वन

रेवेन्यू पेबल ऑन अकाउंट ऑफ रेवेन्यू सेल्फ फॉल अर ऑन फर्स्ट डे ऑफ दैट ईयर लैंड रेवेन्यू कब पेबल होता है फर्स्ट डे ऑफ दैट ईयर है ना साल के पहले दिन लैंड रेवेन्यू पेबल ऑन अकाउंट ऑफ रेवेन्यू रेवेन्यू ईयर सेल्फ फॉल डे ऑन डे डे ऑफ दैट ईयर रेवेन्यू ईयर के फर्स्ट डे डे पे है ना <coughs> और रेवेन्यू ईयर का डे अपन <coughs> ये देख लिया हमने सेक्शन uh, का सब सेक्शन उसके बाद देखिए सेक्शन वन फोर्टी ठीक है यहाँ पर जो लिखा था ना सेक्शन वन फोर्टी का लैंड रेवेन्यू पेबल ऑन अकाउंट ऑफ रेवेन्यू ईयर रेवेन्यूर फॉल ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ दैट ईयर तो फर्स्ट डे ऑफ रेवेन्यू ईयर ठीक है इधर पे सेक्शन वन फोर्टी सेक्शन वन इसके बाद सेक्शन वन फोर्टी वन देखिए इधर पे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन ऑफ एरियर और डिफॉल्टर देखिए अगर आप समय पर लैंड रेवेन्यू पे नहीं करते हैं तो उस लैंड रेवेन्यू आपका क्या हो जाएगा एरियर हो जाएगा ठीक है और जो पर्सन समय पर लैंड रेवेन्यू पे नहीं करता उसको क्या कहते हैं डिफॉल्टर कहते हैं सेक्शन याद रखिएगा इसके बाद वन फोर्टी थ्री देखिए पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू आप अगर समय पर लैंड रेवेन्यू पे नहीं करते हो तो क्या होगा पेनल्टी लगेगी आप पे ठीक है पेनल्टी कौन लगाएगा इफ एनी इंस्टॉलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एनफॉर्ट इज नॉट पेड विद इन वन मंथ आफ्टर द प्रिस्क्राइब डेट अगर जो डेट आपको प्रिस्क्राइब कर रखी है अगर आप विद इन मंथ मंथ विद इन उस डेट डेट जो प्रिस्क्राइब दे रखी है है जिस पर आपको लैंड रेवेन्यू पे करता, उसके रखिए महीने के बाद तक अगर आप लैंड रेवेन्यू पे नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा जो सब डिविजनल ऑफिसर है वो पेनल्टी लगाएगा कितनी नॉट एक्सीडिंग अमाउंट सो पेड यहां पर क्या लिखा है जो भी अमाउंट आपको पे करना था है ना उतने अमाउंट तक की मान के चलो आपको वन लाख रुपीज पे करना था लैंड रेवेन्यू तो वन लाख रुपीज तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है ठीक है पहले यहां लिखा था पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग टेन परसेंट ऑफ द अमाउंट सो पेड अब टेन परसेंट रा दिया तो जितना भी अमाउंट पे करना था आपको उतने तक की आप पे पेनल्टी लगाई जा सकती है ठीक है ठीक है सेक्शन 143 जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट एंड लैंड रेवेन्यू तो आप अगर लैंड रेवेन्यू समय पे नहीं करते तो आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी वो पेनल्टी कितनी है मैंने आपको अभी आपके साथ डिस्कस की सेक्शन का पैराग्राफ वन में ये सब दिया है उसके बाद देखिए सेक्शन वन फोर्टी ऑफ और सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन फेलियर ऑफ क्रॉप्स अब मान के चलो आप आपका जो क्रॉप है उसका कल्टीवेशन नहीं हो पाया ठीक है अगर आपका क्रॉप है उसका कल्टीवेशन नहीं हो पाया तो स्टेट गवर्नमेंट आपको या तो रेमिट कर सकती है आपके लैंड रेवेन्यू की आपको अब माफ किया आपका लैंड रेवेन्यू आपको लैंड रेवेन्यू पे करने की जरूरत नहीं है या फिर कुछ समय के लिए आपको समय दे सकती है आपके लैंड रेवेन्यू के पेमेंट को सस्पेंड कर सकती है कि आप थोड़ा और समय लीजिए है, है ना इतने टाइम बाद आप लैंड रेवेन्यू थोड़ा और समय ले लीजिए उसके बाद लैंड रेवेन्यू पे कर दीजिएगा ये ये सेक्शन इसकी बात करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसमें स्टेट गवर्नमेंट याद रखिएगा प्रोविजन का नंबर याद रखिएगा सेक्शन में क्या होता है वो याद रखिएगा क्वेश्चन बनेगा से सेक्शन वन फोर्टी सेवन इंपॉर्टेंट है for, uh, 147 इसके बाद सेक्शन वन फोर्टी सेवन क्या बात करता है प्रोसेस फॉर रिकवरी ऑफ एरियर तो जो एरियर uh, होता है जो आपने लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया है अगर समय पर तो क्या होता है कि वो तहसीलदार आपसे रिकवर करेगा कैसे करेगा आपकी कोई लैंड वगैरह है उसको अटैच कर देगा सेल कर देगा उस तरीके से आपसे रिकवर करेगा कौन तहसीलदार जो भी एरियर होगा जो आपने डिफॉल्ट किया है नहीं दिया है पैसा है ना रेवेन्यू uh, पे नहीं किया है इसमें एक इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि इस रिकवरी के लिए इस एरियर की रिकवरी के लिए तहसीलदार क्या क्या अटैच और क्या सेल नहीं कर सकता आपकी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिसको अटैच और सेल नहीं कर सकता उसके लिए आप देखिए प्रोविजो प्रोविजो में क्या लिखा जो आपकी अपेरल होती है प्रोवाइडेड स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए एंड सी सेल नॉट परमिट दी अटैचमेंट एंड सेल ऑफ फॉलोइंग क्या अटैचमेंट किन किन प्रॉपर्टीज का अटैचमेंट और सेल नहीं होगा जो भी आपके नियर नेसेसरी बियरिंग अपेयरल है आपके मतलब वही है कि आपके आ, गद्दे तकिया और ये सब है ना कुकिंग वेसल आपके रोज के खाना वाना बनाने के आपके जो कपड़े हो गए और खान, खाना वाना बनाने के जो भी वेसल से बर्तन वगैरह आपके वो सब ठीक है सेक्शन सिक्सटी जैसा ही है बिल्कुल सेक्शन सिक्सटी जैसा ही है और टूल ऑफ आर्टिशंस और अगर मान के चलो आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो आपकी जो भी इम्प्लीमेंट्स हैं एग्रीकल्चर आ, जो भी इम्प्लीमेंट्स है आपको हस्बेंडी के जो भी जैसे मान के चलो इधर पे जो मैकेनिकल पावर की जो ट्रैक्टर ट्रैक्टर वगैरह होता है ना जो मैकेनिकल पावर से जो चीजें चलती हैं वो सब इम्प्लीमेंट नहीं आते हैं मान के चलो कि आप खेती उससे करते हो बैल से खेती करते हो ऑक्स का इस्तेमाल करते हो कि अगर एग्रीकल्चर के लिए तो वो सब इसमें आती है जो मैकेनिकल पावर से चलने वाली चीजें इसमें नहीं आएंगी ये सारी जो चीजें होती है ना जो आपकी कैटल के, के, होती है जो सीड होती है जो आपके लाइवलीहुड के लिए नेसेसरी होती है या फिर कोई भी आर्टिकल्स है जो तो आपने रिलीजियस एंड एनोवमेंट्स के लिए आपने अपने पास रख रखे हैं या फिर कोई भी हाउस एंड बिल्डिंग्स है जिसमें आप रहते हो तो उसको अटैच और सोल्ड नहीं किया जाएगा ठीक है बिल्कुल हाँ यही सब उसके बाद देखिए उसके बाद कुछ एक पर्टिकुलर लैंड के बारे में दिया है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोसेस स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी सेल नॉट बी परमिटेड द अटैचमेंट एंड सेल ऑफ डिफॉल्टर

शेड्यूल एरिया होते हैं गवर्नमेंट उनको डिक्लेयर करती है जहां पर मोस्टली ट्राइब के लोग रहते हैं ओरिजिनल ट्राइब के लोग रहते हैं ठीक है और अगर आप नॉर्मल किसी एरिया में रहते हो तो आप अगर हेक्टेयर कम कम उससे उससे कम अगर लैंड आपके पास है तो आपके वो अटैचमेंट या सेल नहीं होगा उस लैंड का है ना अगर इतनी लैंड है आपके पास तो ये कहानी है शेड्यूल एरिया क्या होता है एक्सप्लेनेशन हो बता दिया है फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस प्रोविजो शेड्यूल एरिया मीन्स एरिया डिक्लेयर टू बी शेड्यूल एरिया

इस तरह की कहानी इधर पर रहेगी ठीक है और रेवेन्यू ऑफिसर चाहे तो उसके बाद जो सेल होने की जो प्रोसीजर था उसको स्टे विस्टे कर सकता है स्टे वगैरह उस पर रोक लगा सकता है कुल मिला के वही है कि गवर्नमेंट को चाहिए पैसा आपकी जमीन आपकी जो लैंड है जो भी अटैच की गई उसको क्यों हम सेल कर रहे हैं क्योंकि हमें जो रेवेन्यू है वो रिकवर करना है अगर आप पैसा दे दोगे रेवेन्यू को तो ले जाओ अपनी लैंड क्या करेंगे आपकी लैंड का ठीक है वही सब कहानी है इधर पर सेक्शन वन में इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहां पर आएगा सेक्शन 151 का सिर्फ हेडिंग पढ़ लीजिएगा मनी इज रिकवरेबल एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू है ना इसका सिर्फ हेडिंग पढ़ लीजिएगा और खास इसका इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे प्लेन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बाद देखिए सेक्शन 150 चैप्टर 12 देखिए है, है ना इधर पर हमने सारा ये पढ़ा 150 नेक्स्ट क्लास इसकी नेक्स्ट क्लास ली जाए क्यों अभी कितना हो गया हमारा सेक्शन 157 तक पहुंच गए हम लोग नेक्स्ट क्लास ली जाए ना इसकी एक सेकंड <coughs> सेकंड सिर्फ थोड़ा देख छत्तीसगढ़ एक्सरसाइज ठीक है नेक्स्ट क्लास की कल रखते हैं फिर और क्या कल रखते हैं आज काफी प्रोविजन होगा वैसे हमारे कल रखते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास है ना बेरेक्ट वगैरह भी जब तक अरेंज हो जाएगा और जो अमेंडमेंट है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करवा दूंगा है ना ठीक है कल मिलते हैं टाइमिंग यही रख लेंगे टाइमिंग यही देख लेंगे है ना ठीक है नहीं हमें मैं समझ सकता हूं कि वो एक स्ट्रेच में काफी वो एक्ट भी इतना इस तरह का है कि इसको बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं कर सकते क्योंकि एक -एक, एक, एक एक नंबर एक एक मार्क मार्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस है इधर पे ठीक है कल देखते हैं कल इसको करते हैं टाइमिंग यही एट पी ही रख लेंगे ये ठीक थी, टाइमिंग रहती है बाकी का कल वन फिफ्टी सेवन से ऑनवर्ड कल इसक, इसके बाद देख लेंगे सेकंड उसमें मुझे लग रहा था पहले कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा बट वही है कि उतना जल्दी फिर मुझे करना भी नहीं आता कि जो मैं मतलब ही नहीं आपको कन्वे कर पाऊं है ना और फिर जल्दी जल्दी उसको एक बढ़ा दू तो उसका कोई मतलब नहीं है ऐसे तो आप खुद ही पढ़ लोगे ठीक है कल करते हैं इसको जो बाकी है इसका जो प्रोविजन है है ना तो आज के लिए इतना ही बाकी आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा है ना अगर आप लोग आप लोगों को लगता है अगर एट पी ठीक है आप लोगों को लगता है कि थो, आप थोड़ी बहुत आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो रही है है ना तो एलेक्ट फॉर जुडिशरी की जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक करें और आगे भी उसको स्प्रेड करें सपोर्ट करते रहें ठीक है कल मिलते हैं एट पी बाकी के जो प्रोविजन है उनको कवर करते हैं उसके बाद एक्साइज एक्ट भी हम लोगों को पढ़ना है तो वो भी पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना ही कल मिलते हैं है ना ओके ओके बाय बाय गुड नाइट टेक केयर